खड़े हुए हैं खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे प्रकाशित वाक उसका पहला अध्याय और पहली तीन आयतें थे रेवलेशन चैप्टर वन वर्स वन टू थ्री मुकाशवा पहला बाब और उसकी पहली तीन आयतें थे तरीके से लिखा हुआ है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो से खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास योहन्ना को बताया जिसने खुदा के वचन और यीशु की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है खुदा उन्होंने अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दिया यहाँ हम प्रार्थना करेंगे सरों को चुकाएंगे आंखों को बंद करेंगे आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु येश मसीह के नाम में आपके सामने हाजिर हैं अपने गुनाहों का इकरार करते हैं जो कि हमसे मनसा सा कर्म ना हुए हैं उन्हें क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं हमारे ऊपर आप अनुग्रह करें अपने अनुग्रह की चादर उड़ा दें जिससे हमारी गंदगी छिप जाए और आपकी रास्त नजर आए मेरी जबान को छूकर पवित्र आत्मा से मसा करें ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं सुनने वालों के हृदय कान का ख़त् करें पवित्र आत्मा का मसा दें ताकि आपकी आवाज़ को सुनकर समझकर कबूल कर सकें जिससे आपकी मर्जी उनकी ज़िंदगी में पूरी होने पाए हमारे बीच आदि कोई बीमार कमज़ोर ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा परेशानी से ग्रसित व्यक्ति आया हुआ है प्रभु प्रवेश आपके नाम में हम मांगते हैं वो आज़ाद किया जाए आप में हर किसी के दिल में आप वास करें सुकूनत करें राज करें एक बार फिर पवित्र आत्मा की मौजूदगी में हम सबों को ब्लेस करें बड़े धन्यवाद के साथ ये छोटी सी बिनती अपने प्यार उद्धार करता प्रभु के नाम में होकर मांग लेते हैं आमीन से बैठ हम लोग पिछली बार से देख रहे काफी कई महीने हमें हो चुके हैं जबकि हमें प्रकाशित वाक्य की स्टडी कर रहे थे और खासतौर से कलीस ही का अध्ययन हम कर रहे थे और इसमें हमने बहुत सारी बातें देखी समझ में आई किस प्रकार से 2000 साल में खुदावन ने अपने प्लान को कलीसिया के लिए रखा और किस तरीके से शैतान ने कोशिश करी है कलीसिया को बिगाड़ने की लेकिन खुदावन ने हमेशा एक काउंटर दिया है हमेशा नहले पे दहला मारा है हमेशा एक का दिया है कि शैतान ऐसा काम करेगा एडवांस में सुन लो समझ लो और जब तुम्हारा युग आएगा तुम इस तरीके से जयवंत हो जाना ये सब हम देख चुके पहला अफसोस काल था और आखिरी लौदी का काल जो अभी चल रहा है इसको हम पूरा का पूरा देख चुके हैं तो सब कुछ हम देख चुके हैं 2000 साल के इतिहास में खुदा ने और शैतान ने क्या कुछ किया कलिसिया में और विश्वासी को वो विश्वास और समझ का वरदान दिया है कि वो शैतान के ऊपर सदैव ही जयवंत हो सकता है ये जो हमने पहली तीन आयतें पढ़ी हैं जानबूझकर कर यहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य वाक्य का मतलब ऐसा लगता है कोई स्टेटमेंट है लेकिन इंग्लिश में पढ़े दैट इज कॉल्ड द रेवल्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट नॉट वाक्य बल्कि रेवलेशन प्रकाशन यीशु मसीह का प्रकाशन यीशु मसीह एक छुपा हुआ पुस्तक में छुपी चीज है जैसे अध्याय में लिखा है कि खुदा का भेद है मसीह खुदा का भेद है और भेद को अगर आप जान ले तो फिर भेद किस बात का रहा तो यीशु मसीह इतना आसान नहीं कि हर क्रिश्चियन उसको समझ ले यीशु मसीह एक पर्दे में छुपा हुआ एक ऐसा भेद है ऐसी मिस्ट्री है कि अगर खुदा ही पवित्र आत्मा रूपी आंखों को ना खोले तो नहीं दिखाई देता कि खुदावन है क्या तो यीशु मसीह का प्रकाशन है इस पुस्तक ये जो किताब है प्रकाशित हुआ के इसमें यीशु मसीह के अलग अलग रूपों को खोल के बताया गया था था। नहीं है वो क्या है कैसा है वो अल्फा ओमेगा है तो कैसा है वो भोर का तारा है तो कैसे है वो रिडीमर है तो वो कैसे है वो सेवियर है तो कैसे है वो भोर का चमकता तारा कैसे है और बहुत सारे सात कली से कालों में जो यीशु मसीह के अपने पर्सनल खास गुण हैं उनको यहाँ पर बयान किया गया है तो ये किताब क्या है यीशु मसीह का प्रकाशन है जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को सबको नहीं सारी दुनिया को नहीं हर एरा गैरा नरा को नहीं बल्कि अपने दासों को जो खुदाबंद यीशु मसीह के चुने हुए पर्सनल कुछ खास किस्म के लोग हैं उनके ऊपर ही यीशु मसीह का प्रकाशन जाहिर होता है अगर समझें आप कि सारे मसीह समाज पर हो जाएगा ये सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी पर हो जाएगा तो नहीं होगा एक गलत फहमी है लोगों को कि क्रिश्चियन है चूंकि चाहे किसी भी डिनोमिनेशन मिशन कहीं के भी हो तो हम खुदा के बच्चे खुदा में ले ही जाएगा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी है लेकिन इसमें एक सिलेक्टेड ग्रुप है जिसको मसीह की दुल्हन कहते हैं वो खुदा के चुने हुए लोग हैं खास लोग हैं उनको एकलीसिया कहते हैं उन्हें कॉल्ड आउट पीपल कहते हैं वो मेरे लोग कहलाते हैं इनके लिए खुदा की योजना कुछ और ही है और बाकी भेड़ चाल तो जिससे चलना चलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता जो अपने दांस है उनको वे बातें बताएं जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए आज से 2000 साल पहले पुस्तक लिखी गई में 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 जब एडी था में, वहां पर दो साल यीशु मसीह ने लगातार दर्शन दिए दिया योहनाफ को और उसने दर्शनों को लिख लिया है और बता दिया कि भविष्य में जो आने वाली बातें हैं वो इस किताब में लिखी हुई हैं इनको जान लो और समझ लो जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए और उसने अपने शोरदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास योहन्ना को बताया एंजल ऑफ द लॉर्ड आए फिर आता है बार बार योहन्ना देख ध्यान से देख और इसे लिख ले और इसे सुन इसे देख सारे सीन योहन्ना को दिखाए दर्शन में दो साल तक योहन्ना टुकड़ों में दर्शनों को देखता रहा और उनको लिखता रहा देखता रहा लिखता रहा और इस तरीके से 22 चैप्टर लिखवा दिए ये खुदा की कंप्लीट एक योजना है प्लान ऑफ है, है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा पीछे से उत्पत्ति के पहले से आ रहा है और समझो के इटर्निटी तक, तक, तक जाएगा ये बातें बड़े शॉर्टकट में लिखी हैं, बहुत शॉर्टकट में लिखी हुई गई हैं, इसीलिए जब तक खुदा का आत्मा ही आकर ना समझाए तो वो आयतें शब्दों के कुछ भी मायने समझ में नहीं आते वहां पर सांप और और जने क्या क्या जानवर और अजगर और घोड़ा और चीता और शेर और उकाब क्या क्या औरत चांद ओढ़े सब ये सब दिखाई देगा और लोग कहते हैं पता नहीं पल्ले नहीं पड़ता क्या लिखा मैं तो कुछ समझ ही नहीं आता हाँ जी समझ में नहीं आएगा मसीह ने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता न खींच ले और मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है स्मरण कराएगा तो सिखाने वाला जो ग्रेट टीचर है वो होली घोष्ट है और जो लोग नम्र और दीन होते हैं उनको सिखाता है और जो अकड़ू और घमंडी होते हैं उनको खुदा कभी नहीं सिखाता बहुत से लोग सोचते हैं हम तो अपनी स्टडी के बल पे सीख जाएंगे ऐसे लाखों लोग जो सेमनरी करके आ चुके और सेमनरी में आज भी माथा फोड़ रहे हैं ऐसे सेमरी याफ्ताओं के नहीं समझ में आता ना तो पौल के जमाने में समझ में आया और ना आज समझ में आया बड़े बड़े फकी फरीसी थे आलम शराह थे और अनपढ़ अंगूठा टेक पत्र भी होन्ना से पूछते थे कि क्या ये चक्कर है ये क्या मसला है ये क्या मामला है तुम तो वैसे ही कह रहे हो और वो बार बार बताते थे देखो शरीयत में लिखा है देखो व्यवस्था में ऐसा लिखा है अरे रात दिन तुम्हारा प्रोफेशन ही ये पादरीगिरी करना है प्रचारक हो तुम्हें नहीं पता और यीशु मसीह उनको एक एक शब्द का अर्थ बता रहा है जी हाँ बाद में जब पत्र को भी होना चेले सब पकड़े गए ठीक रखना तो उन्होंने जब बातें करी तो सन्न थे। फरीसी कहते हैं अरे ये अनपढ़ मछेरे अंगूठा टेक ये ज्ञान इन्हें कहां से आ गया तो लोगों ने कहा कि साढ़े तीन साल एक गुरु था से उसके साथ रहे हैं तो साढ़े तीन साल की इनकी सेमिनरी हो गई है इनकी सेमिनरी ऐसी है कि आज के दस साल के जो सेमिनरी वाले उनके भी पल्ले नहीं पड़ रहा वो लिखा क्या था बाइबल बाइबली अंगूठा टेकों के द्वारा लिखी गई है और आज लोग बाग इस पर रिसर्च कर रहे हैं फिर भी समझ नहीं पा रहे इसका मतलब क्या है और पॉलिस तो यहां तक लिख देता है मसी के ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं सारे अपने कागजों को डिग्री डिप्लोमा को कूड़ा करकट समझता हूं सारी डिग्री जला दी उसने सेमिनरी जो कुछ भी करके आया था गोल्ड मेडलिस्ट था तो वास्तव में दुनियावी ज्ञान से खुदा को नहीं जाना जाता है ये तो नम्र दिल और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से समझा जाता है इसलिए जो खुदा के दास हैं उनकी पहचान है वो मन के दीन है धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर उन्हीं का है तो ये नम्र नम्रदीन लोग हैं उनकी समझ में आता है और जो अकड़ू और घमंडी उनकी समझ में नहीं आता अगर दो बातें समझ में आ भी गई तो वो उसका ऐसा कोई अमला बना लेंगे अपने ही मौत का कारण बना लेंगे उसको तो जो खुदा के अपने दास है उनको वो बातें देखा जिनका शीघ्र होना अवश्य है जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी है योहन्ना ने सारी गवाही दी है जो रेवलेशन में सारी लिखी हुई है तीसरी आयत धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है छियासठ किताबें बाइबल में है केवलौतिक पुस्तक है जिसके बारे में लिखा धन्य है वो धन्य तो छियासठ क्या पैंसठ के पढ़ने वाला भी है वो भी खुदा का कलाम है ऑथेंटिकेटेड है धन्य वो भी है लेकिन इसके लिए लिखा धन्य इसका कोई खास बात है इसमें येशु मसीह ने झूठ कब कहा कभी नहीं बोला हमेशा सच ही बोला है लेकिन अक्सर वो कहते थे मैं तुमसे सच सच कहता हूं अरे प्रभु आपने झूठ बोला ही नहीं क्यों बोल रहे हो सच सच कहता हूं आप तो सच ही तो कहते हो अरे मैं तुमसे सच सच कहता हूं इसका मतलब कोई खास बात है कोई ज़्यादा जोर दे के बोल रहा हूं हूँ क्या इसे ध्यान से सुनो इसमें कोई खास बात आ रही है कोई और ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है मैं तुमसे सच सच कहता हूं इसलिए लिखा है धन्य वो बोध ध्वेशवाणी के वचन को पढ़ता है जो पढ़ता है समझ में आए तो ठीक ना आए तो ठीक पढ़े जाओ कभी ना कभी समझ आ ही जाएगा लगे रहोगे तो खुदा कभी ना कभी दे ही देगा अरे मांगोगे तो मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे लगे रहो लगे रहो लगे रहो कभी ना कभी समझ में कुछ आएगा ही आएगा मुझे ध्यान है बचपन से ये मेरी बड़ी फेवरेट किताब रही है बहुत छोटा था मैं चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ता था और प्रकाशित के पढ़ने का बहुत शौक था और मतलब कुछ ऐसा नेचर रहा कि जब भी इस किताब को मैंने पढ़ना शुरू करा तो कभी में नहीं छोड़ा इस किताब को मैंने कि चैप्टर पढ़ के छोड़ दिए दो चैप्टर पढ़ के छोड़ दिए बारह चैप्टर पढ़ के छोड़ दिए पता नहीं क्या बात थी कुछ समझ नहीं आया मुझे लेकिन था कुछ ऐसा जब भी मैंने इसको पढ़ना शुरू करा तो बाईसवा अध्याय तक आखिर में पढ़ के खत्म किया मतलब प्रकाशित हुआ मैंने कभी टुकड़ों में नहीं पढ़ी हमेशा पहले चैप्टर से लेकर बाईस चैप्टर था क्या समझ में आया यार समझ में तो कुछ नहीं आया लेकिन मज़ा बहुत आया फिर समझ में कुछ नहीं आया लेकिन मजा बहुत, बहुत इस पुस्तक को पढ़कर पता नहीं क्या था मुझे बहुत मजा आता था कोई खास अट्रैक्शन था इस किताब में तो कहा छोटा सा है प्राइमरी का एक बच्चा क्या पढ़ता क्या समझ होगी मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा और बीसों पचीसों बार पढ़ गया इस किताब को कुछ नहीं पल्ले पढ़ा लेकिन खुदा उनको ध्यान था एक समय आएगा जब मैं इसे समझाऊंगा तो जब वो समय है उन्नीस सौ बयासी आया तब खुदा ने कहा ले बेटा बहुत पढ़ी है बचपन से किताब इसका मतलब समझा ही देता हूँ तब इतना मज़ा कि पूछो मत आज तक मज़ा आ ही रहा है धन्य वो जो पढ़ता है पता नहीं कब समझ में आएगी पढ़ तो लो कम से कम और वो वे जो सुनते हैं अब जो पढ़ नहीं सकते अनपढ़ हैं अंगूठा टेक है कि भाई हम तो स्कूल कभी गए नहीं हमें ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती ना उर्दू अरबी ना फारसी हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती हम कैसे पढ़ेंगे आप पढ़ो मत आप सुनो सुनो पुराने जमाने में क्या होता था पुराने जमाने में ये होता था कि पुस्तक लेकर के एक शास्त्री खड़ा हो जाता था और सारी जनता सामने खड़ी होती थी बैठती नहीं थी खड़े होते थे वो मंच पर होते थे भाई साहब शास्त्री जी और शास्त्री जी कहते थे आज मैं तुम्हें तो पवित्र शास्त्र से पढ़ के सुनाता हूं और उन्होंने एक चैप्टर पढ़ दिया लोगों ने सुना और आमीन 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 पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया बस इतना है आज हमने खुदा का कलाम सुना है जो कुछ भी समझ में आया है ये बढ़िया ही बढ़िया है आमीण, आमीण, आमीण। बहुत बाद में ऐसा हुआ कि पढ़ने के बाद एक्सप्लेनेशन चालू हुआ ये तो हमारे जमाने में है मालूम क्या होता आइए खुदा के कलाम से तीन आयते पढ़ेंगे चार आयते पढ़ेंगे एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका एक घंटे भाषण देंगे पहले भाषणबाजी कम होती थी पढ़ दिया बस अब इसमें क्या समझाए समझ लो बस ये सीधे ही सीधी बात है तू हत्या ना करना चोरी ना करना अपने मां बाप का आदर करना ये करना सुखम सुना दिए आगे समझ में क्या आगे बस जाओ करो लेकिन पॉल प्रेरित कहता है जब लोगों ने खुदा को खुदा के ज्ञान से समझना ना चाहा, ग्रंथियों के पत्री में लिखा है जब लोगों ने खुदा के ज्ञान से खुदा को समझना ना चाहा, तो इसने मूर्खतारूपी प्रचार के मेथड से अपने को समझाना शुरू कर दिया खुदा चाहता बिना प्रीचिंग के लोग मुझे समझ जाएं, वो ऐसे काम करता है लेकिन जब नहीं समझते हैं तो मूर्खता रूपी एक और मेथड है बहुत मोटी अकल वालों के लिए चलो तुम्हें प्रचार करके एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेन करना बहुत मोटा और मूर्खों का मेथड है समझदारों का कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी होता है है कि नहीं समझदार तो इशारा समझते हैं और बेवकूफ दस बार बताओ फिर भी क्या कहते हैं भाई हमारी समझ नहीं है इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं तो मो, मोटी अकल के ना खोती अकल तो जो मोटी अकल वाले उनके लिए प्रीचिंग होती है और जो तो क्या करें हम स्वीकार करते हैं हम मोटी अकल वाले हम लोग हैं तो चलो हम ना सही पतली अकल वाले हम मोटी अकल वाले हैं। तो बोल बोल ही समझा दो समझा दो कैसे भी करके है ना तो प्रीचिंग है। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वो जो सुनते हैं और तीसरी बात और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है सुन तो लिया नहीं माना तो आप धन्य नहीं हो गए आप पढ़ते हैं कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगा खुदा बरकत देगा ही देगा अगर आप सुनते हैं तो भी खुदा आपको ब्लेस करेगा देखिए पढ़ने के साथ भी मानना लगा हुआ है और सुनते के साथ भी मानना लगा हुआ है चाहे खुद पढ़ के समझ लो चाहे कोई दूसरा बोले तो समझ लो जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं वो धन्य हैं, जो इन बातों को नहीं मानते वो धन्य नहीं हैं। अजीब सी बात तो है लेकिन है भाई ऐसा क्योंकि कुछ इसमें ऐसे नुक्ते और गुर हैं कि जिनको सुनने के बाद और मानने के बाद अब धन्य हो ही जाते हैं तो चूंकि इस पुस्तक में बहुत ढेर सारी बातें हैं बहुत सारी हमने करी हैं सालों साल हो गए मैं इन बातों को करते हुए और आपने बड़े लंबे लंबे घंटों घंटों के इसमें महीनों का सालों मैसेज भी सुने हैं और सुन ही रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं काफी कुछ ब्लैसेड तो हम लोग हो ही चुके हैं Amen, Amen. हुँ? तो इस चर्च एजेस के एक चैप्टर को जिस हम कई महीनों से देख रहे थे जिसे पिछले संडे हमने खत्म किया है आज हम चाहेंगे उसका एक रिज्यूम उसका सारांश इतने महीनों में जब हमने सीखा तो बहुत कुछ सीखा है लेकिन इसका सारांश क्या है तो उसके कुछ हाइलाइट्स को हम देखना चाहेंगे हुँ? तो पहली बात यह है कि जैसे लोगों का ख्याल था कुछ लोगों का ख्याल था कि खुदा कुछ खास लोगों से ही बात कर रहा है लेकिन जब सातों कली से कालों की हमने शुरुआत का पैराग्राफ देखा पहली वर्ष देखी और लास्ट की वर्ष को देखी तो वहां यह लिखा मिला जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीस याओं से क्या कहता है किसी एक चर्च की बात नहीं हो रही है वो सभी चर्चेस की बात हो रही है चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो चाहे वो फसली हो क्रिश्चियन हो ब्राइड हो सो कॉल्ड हो नॉमिनल हो काम चला हो कोई से भी हो जिसने अपने आपको कह दिया मैं क्रिश्चन हूं आ जाइए भाई साहब आपसे किताब कुछ बातें कर रही है और सुनने के कान सबके पास नहीं होते हैं यह दुनियावी कान आवाज को तो सुन लेते हैं लेकिन खुदा की बात को सुनने का मतलब बात को सुनकर समझा कि नहीं अगर आपने उस आवाज़ का अर्थ नहीं समझा वो कहना क्या चाहती तो आपने सुना नहीं हमारे कान के ईयर ड्रम्स होते पर्दे होते हैं उन पर आवाज टकराती वाइब्रेशन होते हैं और उनसे साउंड पता पड़ जाती कोई आवाज़ हुई धक्क से आवाज़ हुई टी से आवाज़ हुई कोई पी से आवाज़ हुई खटाक से आवाज़ हुई ये आवाजों की वैरायटी तो हम समझ सकते हैं लेकिन उस आवाज का अर्थ क्या है एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आप घर में बैठे हैं और बाहर से एक सीटी मारी एक किसी ने एक साय से सीटी मारी और आपका लड़का धीरे से उठ के गया पानी पीने के बहाने और गायब हो गया क्या क्या हुआ भैया उस सीटी का मतलब था यार आया उसने सीटी मारी थी चल टाइम हो गया है जिसके सुनने के कान सुन लिया तो पापा की समझ में नहीं आया मम्मी की समझ में नहीं आया भैया की बहन की समझ नहीं आया लेकिन भाई गुड्डू की समझ में आ गया कि सीटी का मतलब है पौने हो रहे, से नौ का शो है इस सीटी का मतलब है बाहर को निकल गली के नुक्कड़ पे सामने नहीं मिलेंगे पकड़े जाओगे तो उस सीटी का मतलब वही समझता है क्योंकि उसके सुनने के कान हैं काफी समय के बाद खैर पापा के भी कान सुनने के हो गए उनने कहा कई बार मैंने देखा ये लड़का बैठे अच्छी खासी बात चल रही है सब कुछ चल रहा है ये चला गया तो पापा को रेवल्यूशन मिला ये कब गया हर बार एक सीटी बजती थी और की बार फिर देखूंगा अगली बार सीटी भजी और ये उठा उन्होंने कहा गुड्डू कहाँ जा रहे एक मिनट सुनो आज तो तुम्हें हमारे साथ वहां चल अरे पापा फिर कभी देख लेंगे ये है वो है अभी ऐसा बहुत बहाने का नग हो अब मेरे भी सुनने के कान ठीक हो गए हैं और सीटी का मतलब मुझे भी समझ में आ गया है ना तो इसी प्रकार से बाइबल में लिखी तो आयते हैं सब सुन रहे सब पढ़ रहे कान से पर्दे पे टकरा रही हैं लेकिन जो आयत का मतलब है वो समझ में कि नहीं इस आयत के माध्यम से खुदा कहना क्या चाहता है वो समझ में आया कि नहीं अगर नहीं समझ में आया तो सुनने के कान नहीं है अगर आयत ने क्या कहा अरे ये तो मेरे दिल से बात कर रही थी बहुत सी बार लोगों का ऐसा कमेंट सुनने को मिलता भैया आज का मैसेज तो बिल्कुल मेरे लिए था आज तो प्रभु ने मेरे दिल से बहुत बातें करी हां भाई आपके सुनने के कान थे तो आपको सुनाई दे गया कि खुदा ने आज आज, आज, आज आपसे क्या क्या बातें करी हैं। तो जिनके सुनने के कान हैं उनको सुनाई देता है और ये संदेश जो सात कलिश का है ये सभी के लिए है और शुरुआत में ये बताया गया है कि दो दाखलताएं हैं एक सच्ची दाखलता और एक कड़वी दाखलता है अर्थात दो प्रकार के चर्चेज हैं एक सच्ची कलिसिया है और एक नॉमिनल झूठी अर्थात ड्रामा करने वाली नकली कलीसिया भी है इनको दो दाखलताओं के रूप में बाइबल में कहा गया है ट्रू एंड फॉल्स वाइन है और इनको जो है दो अलग अलग प्रकार के आत्माओं से प्रेरणा मिलती है जो सच्ची दाखलता उसको प्रेरणा कहीं और से मिलती है नबी ने बताया है कि जो सच्ची दाखलता सच्चे लोग हैं उनकी प्रेरणा ऊपर से आती है और जो नकली और झूठी दाखलता उनकी प्रेरणा अधोलोक से नीचे से आती है प्रेरित दोनों ही हैं, जोश से दोनों भरे हुए हैं एक्शन से दोनों भरे हैं एक्टिविटी से भरे हुए हैं प्रोग्राम से भरे हुए हैं लेकिन किसका इंस्पिरेशन कहां से आ रहा है यह बहुत खास बात है जो सच्चे विश्वासी हैं उनका प्रेरणा स्रोत स्वर्ग से प्रभु यीशु देने वाला है और जो दूसरे लाख लता हैं उनके प्रेरणा नीचे अधलोक से आने वाली है जो मिलीजुली वाली है बहुत बिलीव सर्टेन वेरी बेसिक ट्रुथ्स एंड डिफर ऑन अदर्स जो बेसिक सच्चाइयां भाई एक ही खुदा है बपतिस्मा लेना चाहे आप कौन सा लेओ इस पे डिफर हो जाएंगे एक ही खुदा सब मानते हैं अब एक ही खुदा पिता अकेला है कि पुत्र अकेला है कि पवित्र आत्मा या तीनों मिला के एक है या तीनों अलग अलग है इसमें डिफर कर जाएंगे भाई बपतिस्मा लेना जरूरी पापों की क्षमा के लिए मरकुस सोलह सोलह में लिखा है जो भी शिवकाश करो बपतिस्मा ले केवल उसी का उद्धार होगा लेना जरूरी है अब चाहे बच्चे का ले लो बड़े का ले लो डुबकी का ले लो छींटे का ले लो झंडे का ले लो कंबल का ले लो हाँ चेन्नई में होता है चेन्नई में टेबल पे लेटा जिसे वप्तीसवा लेना होता है उसे टेबल लगी रहती सामने आओ टेबल पे लेट जाओ और एक कंबल लेकर उसको यूं उड़ाते हैं मैं तुझे तो खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूल खुद उसके नाम से बपतिस्मा देता हूं और कंबल हटा दिया जाओ हो गया बपतिस्मा एक से एक आइटम है <laughs> इसके अलावा और तीन बार डुबकी आगे मारते हैं तो कुछ तीन बार पीछे को मारते हैं कुछ कुछ नाक पकड़ के खुद ही बैठ जाते हैं हाँ। लेकिन बेसिक ट्रुथ ये हम जानते हैं सब बपतिस्मा लेना चाहिए मैथोडिस में जाओ गोद बच्चा लेके कटोरा लेकर के मैं ले मैथो खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूलगुद कैथलिक में ही हो जाएगा बैप्टिस्ट में हो जाएगा वो क्या नाम मैथोडिस्ट में हो जाएगा सीएनआई में हो जाएगा लेकिन पेंटिकॉस्टल में जाओगे बैप्टिस्ट में जाओगे इवेंजलिकल में जाओगे वहां आपको बाप बेटा रुक गुज के टाइटल में बप्टिसमा देंगे सालवेशन आर्मी में जब भप्टिस होता नहीं वहां तो झंडे का जगा देते हैं ड्रम बजता गाना चलता है और मार्चिंग करते निकलते हो गया काम आपका तो बेसिक ट्रूथ ये है कि हाँ बाइबल सत्य है और बाइबल वाला जो खुदा वही हमारा खुदा है लेकिन कैसे है ये इसमें बड़ा गड़बड़ है बेसिक ट्रूथ ये बपतिस्मा लेना चाहिए और सही है और जरूर लेते और देते हैं लेकिन कौन सा वाला ये सब घपलेबाजी है भाई प्रभु भोज लेना चाहिए इसमें से कहा मेरी मौत की यादगारी में ऐसा किया करो भाई ज़रूरी है संडे के पहला संडे जो था महीने का कपड़े पहन के सुबह सुबह रह जाते हैं सब चाहे खमीर ले लो चाहे बिना खमीरी ले लो चाहे ब्रेड ले लो चाहे मक्खन ला ले लो चाहे बिस्कुट ले लो चाहे रसना रू अफजा ले लो चाहे वाइन ले लो चाहे कुछ भी ले लो चाहे एक रोटी ले लो चाहे ढेर सारी रोटियाँ ले लो चाहे एक कटोरे में पी लो चाहे प्यालियों में पी लो पैर धो चाहे मत धो इतने हैं, इतने डिफरेंसेस है कि वचन की सच्चाई को नहीं मानना समझ रहे हैं? एक सच्ची दाखलता, झूठी दाखलता में फर्क क्या है केवल एक मुद्दा मोटा पकड़ लिया ये हम करेंगे लेकिन करेंगे अपने स्टाइल से ये गड़बड़ है खुदा के मुद्दे को लो और जैसे खुदा का वचन कहता है वैसे ही पालन करो ये तो सही बिलीवर करते हैं तो बोथ बिलीव सर्टेन वेरी बेसिक ट्रुथ्स एंड डिफर ऑन अदर्स गॉड ना बोथ रिस्पॉन्सिबल टू हिम एंड देर फोर स्पीक टू ईच इसलिए खुदा अब दोनों से चाहे तुम असली वाले हो चाहे नकली वाले हो दोनों को जिम्मेदार ठहराएगा और दोनों से बातचीत कर रहा है इन सात कलिस कालों के दौरान खूब कहेंगे Hey प्रबु, हे प्रभु हे प्रभु हमने तेरे नाम से करा हमने हर फर्स्ट संडे को कम्यून ली हमने बब्तिस दिए हमने सर्टिफिकेट भी दिए हमने ये किया हमने वो किया खुदा कहेगा ठीक है अभी वेरीफाई करता हूँ तुमने ये काम मेरी मर्जी के अनुसार किया या अपनी मर्जी के अनुसार किया कितना बढ़िया एक संदेश है डूइंग गॉड्स सर्विस विदाउट हिज विल खुदा की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन खुदा की मर्जी के अनुसार नहीं अपनी मर्जी के अनुसार जिसके कारण क्या होता है मौत आती है जब बिलाम ने खुदा की खिदमत करनी चाहिए अपनी मर्जी से तो उसके पास मौत और बर्बादी आई ब्लेसिंग्स नहीं आई जब दाऊद ने नेहद के संदूक को यरूशलेम में लाना चाहा ओबेद के घर से खुदा की मर्जी से नहीं और उज्जा मारा गया लेकिन जब खुदा की मर्जी से लाना चाहा तो बड़े शान और शौकत से अहद का संदूक यरूशलेम में आ गया तो खुदा जिम्मेदार ठहरा रहा है आप जो कुछ भी करते हो देखे मैं और आप हम लोग जो कुछ भी करते हैं यहां खुदा हमें जिम्मेदार ठहराएगा तुमने ऐसा किया था देखते हैं मेरी मर्जी से किया तुमने अपनी मन मर्जी से किया अगर हम लोग खुदा की मर्जी से चल रहे हैं तो खुदा एक्सेप्ट करेगा ब्लेस करेगा और अगर हम खुदा का नाम तो ले रहे हैं और चल रहे अपने मन के हिसाब से तो खुदा हमें ब्लेस कतई नहीं करेगा बल्कि पनिशमेंट में और आ जाएंगे पर ने लिखा हुआ है यदि कोई अपने मन के हट पर जिद पर चले और यह सोचे कि खुदा मुझे ब्लेस करेगा तो खुदा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा तो कभी भी अपनी मन मर्जी को पूरा करने के लिए जिद मत करना जैसे खुदा का वचन कहता है उसका पालन करना आपने जो गलत किया उसके लिए तौबा करो सॉरी फील करो और खुदा की मर्जी का पालन कर लो अगर आपने गलत बैप्टिज़म ले रखे हैं तो सॉरी फील करो माफ़ी मांगो और सही वाला ले लो अगर आपने गलत प्रभु लेते चले आए हो तो उसको सॉरी फील करो छोड़ो और सही वाली लेना शुरू करो अगर गॉड्स कंसेप्ट आपका गलत मानते आए हो क्यों जो सिखाया वही तो मानेंगे तो जब सही चीज सामने आ गई तो पुरानी वाली को छोड़ो सॉरी फील करो प्रभु आई एम सॉरी नहीं मालूम था जो सिखाए ने वही माना जो हमने सीखा था वही करते चले आए पॉल उसे ही कहेगा जो मैंने गमलियल से सीखा था दुनिया से सीखा था आलम शरा से सीखा था फगी फरी से सीखा था अरे वही तो करता चला आ रहा हूं लेकिन भाई और बहनों जिस दिन खुदा दूसरी ओलम पढ़ा दे उस दिन पुरानी वाली फेंक देना पुरानी पकड़े मत रहना जब पॉल को समझ में आया उसने कहा मैं इसे कूड़ा करकट समझ के त्याग देता हूं और जब हनन ने कहा हे hey भाई शाउल उठ बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धो डाल तो शाउल ने बपतिस्मा लिया गुनाहों को धोया और पौलूस बन करके आगे बढ़ गया ने? चेले पूछते हैं योहन्ना के चेले पूछते हैं गुरु जैसा आपने सिखाया था कि मसाया आने वाला है ये येशु नाम का जो है मसीह है, बता हम तेरे पीछे चले अब या क्या करें हम गुरु जी बताइए न सुनो मैं तो जब तक एबसेंस थी तब तक अंधेरे में चमकने वाला एक दिया था मैं तो एक केयर टेकर सरकार चला रहा था मैं तो उसके आने तक इंतजार कर रहा था अब तुम तो मेरा पीछा छोड़ो और जो असली गुरु है यीशु उसके पीछे चले जाओ उन्होंने कहा थैंक यू फादर आराम से चले गए जिन फकी फरिशों की आंखें खुली निकोदिमस जैसे वो भी चले आए यार जैसा राजनालाले का सरदार था जब सच्चाई ग्रह उसके ऊपर जाहिर होती है वो भी तमाम बदनामी को लेने के लिए तैयार है और फिर यीशु मसीह के पीछे हो लिया है बहुत सारे लोग इन 2000 सालों में गलत शिक्षाओं में थे दिल के वफादार और सच्चे अच्छे थे उनके मन में खोट कपट बुराइयां नहीं थीं लेकिन जो भी उनको शिक्षा दीक्षा मिली उन्होंने सच्चाई से पालन किया और जिस दिन सच्चाई जाहिर हुई उसी दिन उन्होंने छोड़ दिया और सम्मान के साथ आगे बढ़ गए जब ब्रदर नेवल जो कि पास्टर थे हावर्ड पार्क मेथोडिस्ट चर्च के जब उनके ऊपर सच्चाई जाहिर हुई भाई ब्रैनम कहते हैं समडे आई विल बैप्टाइज दैट पर्सन ये मेथोडिस्ट के पास्टर हैं। मुझे एक बार बुलाया था पुल पे प्रचार करने के लिए बहुत अच्छे आदमी हैं मैंने प्रचार किया है और मुझे पूरा भरोसा है ये अपने मेथोडिस्ट के ईमान धर्म को छोड़ छाड़ करके सच्चाई पे आ जाएगा किसी दिन मैं इसे बुप्त दूंगा और अल्टीमेटली थोड़े समय के बाद ही उन्होंने कहा आकर के कहा ब्रदर सच्चाई यही है इसी में चलना है अब मैथोडिस्ट को तो मैं नमस्ते करता हूँ कि भाई अगर आप लोग चाहो कि मैं यही कलाम प्रचार चूंकि तो मैथोडिस एक ऑर्गेनाइजेशन है एक डिनोमिनेशन है उनकी शिक्षा के अलावा आप बाइबल की शिक्षा भी प्रचार नहीं कर सकते जो उनके संस्था के नियमों से मेल ना खाती हो यह हर डिनोमिनेशन के साथ है चाहे ई हो मैथोडिस्ट हो कैथलिक हो प्रोटेस्टेंट हो पेंटिकॉस्टल हो सबके साथ ही है केवल वो क्रिश्चियन जो ये मानता है मैं किसी डिनोमिनेशन से बंधा हुआ मैं कहीं का गुलाम नहीं हूं मैं तो जो बाइबल समझाएगी आप समझा दो भैया आप समझा दो चाहे आप समझा दो जो बाइबल में लिखा सत्य मैं तो उसे मानूंगा और जो जो मुझे पता जाए पड़ता चला जाएगा ये मेरे साथ गलत संस्कार हुए हैं भाई मैं तेलानी देकर छोड़ता चला जाऊंगा वो तो सच्चाई का पालन कर सकता है अन्यथा कोई नहीं कर सकता ऐसी बेड़ियां पड़ी हुई है हैं लोगों के छोड़ नहीं सकते हुँ? तो दोनों ही दाखलताएं हैं दोनों ही कलिसाए सच्ची वाली भी नकली वाली भी और दोनों जिम्मेदार होंगे किसने क्या क्या किया है एक और चीज हमने जो जानी थी मैं केवल हाईलाइट के पॉइंट पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि आज तो बस खात्मा तो हो ही चुका है जो झूठी कलीसिया है झूठी दाखलता है वो जान लगा दे सच्ची दाखलता को बिगाड़ नहीं सकती और सच्ची दाखलता जान निकाल के दर्द झूठी दाखलता को मीठा बना नहीं सकती ये सच्चाई है ये सोचो आप कि हम इस बंदे को जबरदस्ती घसीट के खुदा के रहम में ले आएंगे आप अपनी जान निकाल के धरती नहीं ला सकते क्योंकि जो प्री डेस्टिनेशन का लॉ है खुदा ने पहले से ही मंजिलें नियुक्त कर दी हैं, कौन खुदा का है कौन शैतान का है कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा ये सब चीजें हमारा जो मुस्तकबिल लिखा हुआ है खुदा जानता है तो आप चाहें बहुत से लोगों को मैंने देखा देखे बाइबल कहती लगे रहो ये अच्छी बात है लगे रहो अच्छी बात है कोशिश करते रहो अच्छी बात है लेकिन एक ही बंदे पर सारी उम्र लगे रहो ये गलत बात है कि नहीं मैंने इस रूह को बचाना है भैया कब से बचा रहे हो इसे ऐसे दस साल तो हो चुके हैं लेकिन भाई मैं बड़े रोज प्रभु से बड़े दिल से दुआ करता हूँ इसकी सोल बचा ले इसको बचा ले इसको बचा ले पंद्रह साल होगा भैया पांच साल हो गए कब तक लग रहोगे भाई मरते दम तक मैं केवल इसी को बचाना है मुझे ये आपकी जो जिद है गंदी बात है गलत बात है तो भैया क्या हम किसी के लिए दुआ कर रहे हो खुदा उसको बचा ले बचा ले ये क्या बुरी बात है एक जगह सही है दूसरी जगह गलत है आप उसकी जान बचाना चाहते हैं खुदा से दुआ कीजिए बढ़िया कीजिए उपवास रखे कीजिए कई बार कीजिए और अब समय बर्बाद ना कीजिए एक समय के बाद खुदा आपके हाथ में मैंने केस हैंडओवर कर दिया है अब मैं किसी और को बचाने के लिए चलता हूं किसी और को बचाने के लिए चलता हूं नहीं तो सारी उम्र घर में बैठे रह जाओगे मसीह ने ऐसा किया ऐसी शिक्षा दी कि एक के एक के पीछे ही लगे रहो मसीह ने कहा, अपने मोती सुवरों के आगे मत बिखेरो ना हो तुम्हारे मोतियों को रोंदे मोती अर्थात तुम्हारी कीमती बहुमूल्य बातों को जीवन की बातों को रोंदे और तुम्हें पलट कर फाड़ खाएं जिस घर में जाओ वहां बोलो आशीर्वाद हो गॉड ब्लेस यू उस घर के लोग होंगे काबिल तुम्हारा आशीर्वाद लगेगा और अगर काबिल नहीं होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद लौट आएगा जिस गांव में उतरो वहां के लोग अगर तुम्हारे संदेश को स्वीकार ना करें तो अपने कपड़ों और पैरों की धूल झाड़ करके वहां से आगे चले जाओ क्यों कह रहे हैं ये शुवासी नहीं हम तो इसी गांव में रहेंगे हम पाँच साल यही रहेंगे जब तक सबको क्रिश्चियन नहीं बना लेंगे यशुमासी कह रहे हैं समय बर्बाद मत करो एक टाइम होता है बताओ समझाओ मौका दो स्टाइल बदल के मौका दो चांस बदलो और जब देखो ठीक काफी हो चुका है भैया मुझे प्यार से बोलना था बोल चुका गुस्से से बोलना था बोल चुका धमकाना था धमका चुका ऑडो विजुअल से बोल चुका एग्जाम्पल से बोल चुका गवाही देके बोल चुका सब कुछ कर चुका अब भाई साहब मैं आगे बढ़ता हूं अब आपकी जीवन नैया खुदा के हवाले सौंप के मैं चला तो एक ही पे सादा डटे नहीं रहना है चीज हमने सीखी इस चर्च एजेंस के मैसेज में कि आप अगर एक कड़वी दाखलता को मीठी बनाना चाहेंगे आप नहीं बना सकते सिद्धांत है और कड़वी दाखलता चाहे कि आपको बर्बाद कर दे आपको नहीं कर पाएगी धर्मी सात बार गिरता तो है लेकिन पड़ा नहीं रहता मत चौबीस चौबीस लिखा है कि अंतिम दिनों में झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें लेकिन भरमा नहीं पाएंगे जो चुना हुआ है इस बात की ज्यादा डिटेल में रुकना नहीं चाहता बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि मैं तो रिज्यूम पे हूं अभी तो ये एक पॉइंट था कि अनुग्रह जिस पे खुदा करना चाहे करे ना करना चाहे ना करे कड़वी दाखलता मीठी वाली को कड़वा नहीं कर सकती और मीठी दाखलता कड़वी वाली को मीठा नहीं कर सकती जो सीड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा हाँ एक बात और लिखी हुई है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है चरित्र अलग है सीट अलग है चरित्र को बिगाड़ देती है आपकी आदतों को बिगाड़ देती बुरी संगति अच्छों को बिगाड़ देती है तो अच्छों से संगति करना अच्छी बात है उनके साथ सलाम दुआ नहीं खत्म करना सलाम दुआ तो खत्म करेंगे तो फिर किसको सुनाएंगे वचन किसको प्रचार करेंगे जब सलाम दुआ ही नहीं करेंगे सलाम दुआ अलग बात होती है और संगति अलग होती है संगति का मतलब यह है आपको दोस्त आना संबंध ऐसे गाढ़े संबंध हो रहे हैं कि बिना उसके आप रह नहीं सकते रात दिन वही उठना बैठना आना जाना खाना पीना सोना जगना कि भैया ये तो जिगरी वाली बात है और वो है बिगड़ा हुआ नवाब है गलत रास्ते वाला एक दिन आपके ऊपर उसका पानी चढ़ेगा तो बेटर ही चाल चलो अच्छी बात है प्रिकॉशन ले लो अच्छी बात है मजा इससे कि बातें पछताना पड़े Uh, एक और चीज पढ़ी थी हमने मोस्ट ऑफ एजिंग ट्रूथ द होली एंड वुड फॉल अपॉन द अनरीजनरेटेड फॉल्स वाइन क्रिश्चियंस ऐसे अशुद्ध तौबा ना किए हुए सो कॉल्ड क्रिश्चियंस के ऊपर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आता है एंड मैनिफेस्ट पावरफुली इन वेरियस साइंस एंड वामर्थ्य चिन्ह चमत्कार भी उनके द्वारा होते हैं आपको हर मीटिंग में कहीं ही कहीं अन्य भाषा कहीं भाषवाणी सब मिल जाएगी एक से एक निकम्बे लोग ऐसे काम करते आपको मिल जाएंगे इवन एट जुडासन द होली गोस्ट दो ही इंसल्स वॉज प्रोनाउंस टू बी ए डेविल जिस प्रकार से यहुदा स्क्रोथी वो भी चंगाइयाँ करता था वो भी प्रचार करता था वो भी अन्य भाषा बोलता था वो भी पवित्र आत्मा के वरदानों को ऑपरेट करता था और यहाँ तक कि उसके पास भी एक डेफिनेट मिनिस्ट्री थी प्रेरितों के काम पहले अध्याय में लिखा है कि ही वॉज काउंटेड अमंगस्टस एज बिशप बिश जूडासहूदा स्क्रोती को बिश्रिक मिली हुई थी उसको एक पदवी सेवकाई की मिली हुई थी जो पत्रस को पदवी थी वो यहुदा को जो योन्ना को ये बारह को एक ही लेवल में लिया गया था लेकिन यहूदा के बारे में यह भी लिखाई छह सत्तर इकहत्तर बहत्तर में कि वो डेविल था तो डेविल पवित्र आत्मा का वरदान ऑपरेट कर रहा है यस कर सकता है क्या लिखा हुआ है मत्ती सात इक्कीस से लेके पढ़ेंगे वहां लिखा है उस दिन बहुत तेरे आकर मुझसे कहेंगे हे हे प्रभु हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से चंगाई नहीं करी क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी क्या तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा हे को कर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता तो फिर प्रभु ये पवित्र आत्मा के वरदान जो आप ही ने हमको दिए थे जिससे हमने चंगाई करी हमने भविष्यवाणी करी हमने आत्माएं निकाली हमने भाषाएं बोली आप ही ने तो दिया था अब हमें क्यों निकाल रहे हैं तुम थे कोकर्मी तो वरदान मिला था और वरदान का तुम इस्तेमाल करते थे अपनी शोहरत के लिए मशहूरी के लिए नेम एंड फेम के लिए पैसा कमाने के लिए लेकिन तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया इसलिए गेट आउट फ्रॉम हियर बहुत से लोग सवाल करते हैं हमसे भी करते हैं आपसे भी करते होंगे कि भैया हमारे शहर में कैसे ऐसे पाई साहब हैं कैसे भाई साहब हैं जो बहुत अन्य भाषाएं बोलते हैं लेकिन एक नंबर के फक्कड़ और एक नंबर के चंडाल चौकड़ी हैं वो कि भैया हमारे एक भाई साहब रहते हैं बरेली में जिससे दुआ करवा लो उसी पे दुआ करके चंगाई करते हैं बड़े बड़े चंगाई होते हैं लेकिन डेली उन्हें एक बोतल चाहिए नशे में मिलते हैं कोई सी लड़की भगा के लिया भाई साहब दो सौ रुपए में शादी पढ़ देते हैं मशहूर है दूर दूर तक बदायूं तक लोग मिलेंगे साहब हमारे पास एक ऐसे ब्रदर हैं उनके पास जाओ दर्शन देखते हैं वो और दर्शन में सब बता बताओ सही बताते हैं बिल्कुल दुआएं करते हैं चंगाई हो जाती है भविष्यवाणी करते बिल्कुल सही निकलती है लेकिन भाई जबान ऐसी कि एक सेंटर में चार गाली देते हैं कम से कम हर हरकत गांजा भीम चरस वो सब चलाते हैं चार चार बीवियां रख रखी हैं सारे आइटम हैं लेकिन भाई साहब उनकी दुआ कभी फेल नहीं होती मैं आपको में बता रहा हूं नाम नहीं ले रहा हूं बस इतना फर्क है मैं नाम लेके बता दू आपको तो हो क्या रहा है लोग चौकने कि भैया इनकी दुआ में जान है ये भाई करते हैं भाषा बोलते हैं बिल्कुल सही बात है सारा शहर जानता और फिर जिंदगी ऐसी खराब भी है कि हाँ ये भी सही बात है चक्कर क्या है खुदा का पवित्र आत्मा का वरदान इन्हें मिला हुआ है जिस वरदान के द्वारा सामर्थ्य काम करते हैं लेकिन अनंत जीवन इन्हें नहीं मिला हुआ है जिससे अनंत जीवन का यीशु का चरित्र आता है ऐसे लोगों का ले क्या जाओ नरक में मैं नहीं जानता तुम कौन हो ने क्या कुछ नहीं किया बिलाम ने क्या कुछ नहीं किया सब पवित्र आत्मा के वरदानों से काम किया फिर भी, भी नरक में जा रहे हैं जी हाँ तो ये तथ्य हमने सीखा है इस कलीसिया काल के दौरान में इन्हीं चीजों को हम केवल दोहरा ही रहे हैं बर्थ ऑफ द चर्च वॉज देंटिकोस्ट पहला कलिसिया की जो शुरुआत है नए नियम की पेंटिकोस्ट के दिन से होती है जहां पवित्र आत्मा उतरा और कलीसिया की स्थापना हुई वो मॉडल चर्च है वो स्टैंडर्ड चर्च है वैसा ही स्टैंडर्ड चर्च आसमान पे जाने से पहले दुल्हन का होगा स्टैंडर्ड चर्च के काम में देख लो पैंत के दिन कैसी कलीसिया थी और उसके बाद जब तक चेले रहे वो कैसे रहे दैट इज चर्च सन त्रेपन में चूंकि पहली कलिशा स्थापित हुई थी जो कि अन्य जातियों की थी इसराइल के बाहर थी इसलिए माना जाता कि जो अन्य जातियों का कलिशे काल है वो सन त्रेपन से शुरू होता है और उसका नाम भी इफसोस से रखा गया जहाँ का पहला बिशप बाद में तिमोथी को बना दिया था पौलुस रसूल ने तो जितने उद्धार पाने वाले थे वो प्रतिदिन उस कलिशा में मिल जाते थे मिलते चलते थे लेकिन जिस प्रकार से अभी आदम और हवा केवल दो ही प्राणी थे और हवा को शैतान ने बरगला दिया और बहका दिया उसी प्रकार से कलीसिया भी शुरू ही हुई थी पेंट के दिन कितने समय चली ये तो नहीं कह सकता मैं लेकिन थोड़ा ही चलने के बाद जल्दी ही जिस प्रकार से हवा को शैतान ने बहका दिया था इससे पहले कि वो आदम की पत्नी बन पाती पहले वो भ्रष्ट कर दिया गया उसी प्रकार से कलीसिया इससे पहले कि यीशु मसीह के साथ मैरिज सफर में आसमान पर जाती उससे पहले इसे भी भ्रष्ट कर दिया गया और इसका भ्रष्ट करना कैसे हुआ कि अंदर उस कलीसिया में कुछ लोग आ गए जिसके बारे में लिया पढ़े को योन्ना की पहली पत्री और उसका चौथा अध्याय योजना की पहली पत्नी अध्याय थर्ड वर्ष तीसरी याद में लिखा है और जो कोई आत्मा यीशु ओर नहीं मानती वो खुदा की ओर से नहीं और वही तो मसी के विरोधी की आत्मा है मसीह के विरोधी का एंटी क्राइस्ट का आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है आज से 2000 साल पहले की बात है योहन्ना लिख रहा है ये पतमुस टापू में जाने से पता नहीं पहले लिख रहा है क्योंकि पतमुस से लौटने के बाद तो यु प्रकाशित के लिखा है उससे पहले यूहना लिख रहा है कि एंटी क्राइस्ट जिसके बारे में तुमने सुना था कि आने वाला है मैं कह रहा हूं वो अब भी है जगत में तो आप सोचिए कि कलीसिया पेंतेकुस् की अभी स्थापित हुई है पता नहीं दस पंद्रह साल हुए हैं कि कितने साल हुए हैं कि एंटी क्राइस्ट चर्च के अंदर आ गया अर्थात शैतान चर्च में आ गया है ना और प्रकाशित अध्याय देख चुके हैं की ही हम कर रहे हैं उसकी चौथी और पांचवी यह लिखा है पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है सुचेत करके तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी धीवट को उस स्थान से हटा दूंगा मन फिराने की बात हो रहा अर्थात गिर गए हैं अभी शुरुआत में ही और इस दूसरे अध्याय की दूसरी हाथ में लिखा है मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया कुछ लोग है जो हैं जो डुप्लीकेट कहते हैं, हैं नबी कहते हैं चेला कहते हैं विश्वासी कहते हैं क्रिश्चियन कहते हैं जब तू उन्हें उनको परखा तो झूठा पाया इस प्रकार के जो झूठे लोग हैं चर्च में पहले ही चैप्टर में आ चुके थे और अगर इसकी छठिया पढ़ें क्या लिखा है पर हाँ तुझ बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूं ये निकोली लोगों के काम शुरू हो गए पहले चर्च में किसे कहते हैं निकाओ प्लस लेटी दो लैटिन वर्ड है ये निकाओ का मतलब है कब्जा कर लेना लेटी का मतलब चर्च पर कलीसिया पे कब्जा करना कलीसिया पे सेशु मसीह का कब्जा होना चाहिए ये मसीह क्या है खुदा का कलाम है इन द बिगनिंग द वर्ड विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड गॉड वर्ड ऑफ गॉड इज गॉड तो कलीसिया में वर्ड ऑफ गॉड अर्थात खुदा के कलाम का अधिकार होना चाहिए अगर खुदा के कलाम को हटा के इंसानों के कलाम की हुकूमत चलाएंगे जो कि चर्च कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आता है इसको कहते निकोलाइटन और निकोलियो के काम चालू हो गए थे पहले ही सेंचुरी में अभी कलीसिया की स्थापना हुई नहीं अभी चल ही रहे हैं बढ़िया प्योर चर्च है लेकिन शैतान के चेले चपाटे चर्च में आकर प्रवेश कर चुके हैं तो निकुलियो के काम चालू हो गए थे एक चीज पढ़ना चाहता हूं आपके लिए मैं दे टर्न फ्रॉम गॉड्स डिमांड ऑफ ए चर्च एब्सोल्यूटली डिपेंडेंट अपॉन हिम खुदा डिमांड करता है तब भी और आज भी कि खुदा के बच्चे खुदा के ऊपर टोटल भरोसा रख के चले किसी और चीज पे अपनी टेक ना लगाएं अपने पैसे पर अपने दिमाग पर अपने रिश्तेदारी पे, अपनी मुलाक़ात पे, अपने संबंधों पे उनका फ़ायदा उठाएं लेकिन उनके ऊपर टेक ना लगाएं। जो टेक लगाना जो डिपेंडेंसी है आपकी वो खुदा के ऊपर होना चाहिए बीमारी है इलाज कराना डॉक्टर पे जाएं, ज़रूर जाएं अस्पताल जाएं, सर्जरी कराएं मेडिकेशन लें लेकिन चंगाई करने वाला डॉक्टर नहीं चंगाई करने वाला ये मसीह है यीशु मसीह पे आप टेक लगाए प्रभु आप चंगा कीजिए मैं जा रहा हूं डॉक्टर के पास प्रभु सर्जरी हार्ट सर्जरी के लिए मैं जा रहा हूं आप मुझे शिफा दीजिए अगर खुदा शिफा देगा तो सर्जरी कामयाब होगी और नहीं देगा तो सब फेल हो जाएगा तो टेक लगाना जो खुदा चाहता है कि टोटल डिपेंडेंस मुझ पे करो इन्होंने क्या किया डिपेंडिंग एंटायरली अपॉन गॉड टू फुलफिल इज वर्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन गवर्नमेंट हुआ क्या इन्होंने

डेमोक्रेसी में कहलाता ना ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है अगर वोट ना दिए जाए तो सरकार कैसे बनेगी तो लोग वोट देते हैं नेता चुनते हैं नेता मिलकर के सरकार बना देते हैं हर चीज का चुनाव लोगों की बुद्धि ज्ञान से होता है चाहे वो अंगूठा टेक हो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे कुछ भी हो तो गवर्नमेंट जो है ह्यूमन गवर्नमेंट अर्थात इंसान अपनी अकल अपनी समझ से खुदा की अकल से नहीं खुदा की समझ से नहीं खुदा के वचन से नहीं अपनी अकल और समझ से जो इंसानी अकल और तालीम है उसके आधार पर जो सरकार बनाई जाती है उसको निकोलाइटनिज्म कहा जाता है निकोलाइटिज्म विच इज ए ऑर्गेनाइजिंग ए ह्यूमन गवर्नमेंट इन इंसानों के द्वारा बनाई गई सरकार बनाना है उसको ऑर्गेनाइज करना कैसे करेंगे ऑर्गेनाइज कितना अच्छा सिस्टम है हमारे यहां इलेक्शन कमीशन है कि नहीं है कि नहीं निर्वाचन सदन इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करता है पुलिस का इंतजाम करवाता है बूथ बनवाता है ट्रेनिंग दिलवाता है ऑफिसर्स अपॉइंट करता है बैलेट बॉक्स मशीन दिलवाता है काउंटिंग करवाता है रिजल्ट डिक्लेयर करता है गड़बड़ हो तो फैसले लेता है ये ऑर्गेनाइजेशन है वोटिंग तो बाद में होगी वोटिंग कैसे होगी उसका बहुत लंबा चौड़ा तंत्र है इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना इंतज़ाम करना वोटिंग का इंतजाम होता है तब मंत्री चुने जाते हैं फिर वो मिलकर सरकार बनाते हैं मेजॉरिटी कैसे बनती नहीं बनती वो सब आप और हम अच्छे प्रकार से जानते हैं है ना तो निकोलाइटनिज्म और ह्यूमन गवर्नमेंट एक ही चीज है विच इज ऑर्गे ह्यूमन गवर्नमेंट विद इन चर्च अब चर्च के अंदर इंसानों की अकल से सरकार बना दी भैया चर्च के अंदर तो खुदा की अकल से और खुदा की मर्जी के मुताबिक काम होना चाहिए था ये इंसानों ने कहा सरकार बना दी विच एज ऑल गवर्नमेंट डू जैसे कि सारी सरकारें हर देश की सरकार करती ही है लेजिस्लेट फॉर द पीपल लोगों के लिए नए नए कानून नियम बनाते हैं मैथोडिस्ट की सरकार अपना नियम बनाती है हमारे यहाँ तो ये होगा सी की सरकार अपने बनाती है रोमन कैथलिक गवर्नमेंट अपने रूल बनाती है बैप्टिस्ट सरकार अपनी रूल बनाती है चर्च के लिए हर कलीसियाई सरकार जो इंसानों ने अपॉइंट करी है बनाई है वो अपनी संस्था के लिए अपने मेंबरों के लिए नए अपने कानून बनाते हैं जैसा वो ठीक समझते हैं मान लीजिए पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है सी एन आई पहले नहीं था अब हो गया है उस ह्यूमन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि अब से हमारे संस्था चर्च में भी लेडी पास्टर हुआ करेंगी भैया पहले तो नहीं थी 200 साल से हाँ 200 साल से तो नहीं थी लेकिन जो हमारी नई कमेटी है जो हमारी नई इलेक्ट होकर सरकार आई है मेथोडिस्ट की अब की बार उन्होंने फैसला किया है कि अब हम लोग भी लेडीज को भी आगे लाएंगे और उनको भी पास्टर बनने का मौका देंगे अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो सीआई ने कहा सीएनआई ने कहा हम तुमसे पीछे नहीं है इस काम को हम भी चालू कर देते हैं अब आप बताइए 200 साल से तो आपके संस्था में नहीं होता था सरकार है सरकार नियम बदलती कि नहीं बदलती है बदल सकती है यही बात तो यहां कही जा रही है कि जब चर्च में आप एक ह्यूमन गवर्नमेंट बना देंगे जो चर्च को चलाएगी तो फिर पवित्र आत्मा का चलाना कहा गया खुदा के वचन का चलाना कलीसा को कहा गया वो तो साइड में हो गया अब तो जो गवर्नमेंट बैठी है वो गवर्नमेंट कहती वो टीए बिल इतना पास करो भाई इतना देना तो देना है अब पा, अब फ्री विजिट नहीं होगा हर विजिट पे कन्वेंस अलाउंस इतना इतना मिलेगा वो रेट भी तय कर देते हैं अब पहले संडे को ये हुआ करेगा ये भी फिक्स हो गया और तीन महीने के बाद यह वाला काम किया करेंगे क्यों ह्यूमन गवर्नमेंट है ये बाइबल गवर्नमेंट नहीं है यह कलीसिया जो है बाइबल के मुताबिक चलने वाली नहीं है यह ह्यूमन गवर्नमेंट अर्थात निकोलाइटन्स के द्वारा चलाने वाली है इसके नियम बनते रहेंगे दिड इट एक्जैक्टली वॉट इज द डिड ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ द वर्ड एंड द स्पिरिट इन्होंने क्या किया कि लोगों की सहूलियत के हिसाब से चाहे वो इमोरल हो चाहे वो रॉन्ग हो उस तरीकों को इख्तियार करके चर्चेस को चलाना शुरू कर दिया और खुदा के पवित्र आत्मा और वचन के अधिकार को साइड में कर दिया ये आप हमने आपने सीखा था कि नहीं सीखा था निकलाइट ने यही तो किया था के ही काल में हाँ जी तो अब थोड़ी समय के बाद क्या हुआ कि कलिसिया इतनी ज्यादा भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष या मृत्यु के वृक्ष के शिक्षा में इतनी ज्यादा उसकी जड़ें पहुंच चुकी थी कि अब तो मृत्यु चर्च में आ गई और चर्च में जो अनंत जीवन खुदावन जीवन के वृक्ष से आना चाहिए था वो तो भाई कहीं और जाता ही दिखाई देता है दूसरी बात एक खास बात जब आदम और हव्वा ने अपराध किया था तो खुदा ने जीवन के पेड़ की रक्षा करने के लिए आग और फरिश्तों को तैनात कर दिया था कि तुम यहां घुसोगे नहीं जीवन के वृक्ष को छुओगे नहीं और तलवार रख दी फरिश्ते लगा दिए चेरूबुल्स लगा दिए अब इसके पास नहीं होगा, लेकिन यहां खूब खूबी है ये हमने देखा था इफ्सो के कलीसिया काल में कि खुदा ने यहां पर कलीसिया में जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए कोई तलवार नहीं लगाई कोई को नहीं लगाया लगाया कहीं जिसको अनंत जीवन का फल खाना वो भी खा सकता है और जिसको निकोलाइटन का फल खाना वो भी खा सकता है लेकिन अदन की वाटिका में क्या हुआ था अदन की वाटिका में जब आदन भगवान ने पाप किया था तब जीवन के वृक्ष पे हाथ लगाने का था किसी को चांस लेकिन यहां पर तो बल्कि उल्टा हिसाब दिया है जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के वृक्ष में से जो खुदा के स्वर्ण में फल खाने को दूंगा तो मिल रहा गॉड डज नॉट नॉट डिपार्ट फ्रॉम द मिड्स ऑफ द चर्च एज ही डिपार्टेड इन फ्रॉम ईडन अदन की वाटिका में खुदा अदन की वाटिका को छोड़ करके चला गया गुना के कारण लेकिन कलीसियाई काल में में हम देखते हैं पाप अपराध करने के बावजूद भी खुदा चर्च में से नहीं गया उसी चर्च में घूम रहा है खुदा तो चर्च से बाहर गया सातवें कलीसियाई काल में बाकी पहले में था कि नहीं दूसरे में तीसरे में चौथे में पांचवें में छठे में सब जगह है कि नहीं वो कलीसिया के अंदर घूम रहा है सारे अपराध होने के बावजूद भी गलत कलिसिया में भी घूम रहा है मजेदार बात है आप लोदिका को निकाल दीजिए लोदिका को हटा दिए छठे काल तक आज छठे काल तक हर कलिसिया के बीच में खुदा घूमता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मैथोडिस्ट में दिख रहा है बैप्टिस्ट में दिख रहा है पेंटिकॉस्टल में दिख रहा है लूथरन में दिख रहा है ज्विंगली में दिख रहा है कॉलविन के चर्च में दिख रहा है कौन से चर्च में खुदा नहीं दिख रहा है खुदा सातों कलिस काल में अगर देखें तो पहले से लेकर छठे तक पूरा का पूरा हर चर्च में रोज दिखाई दे रहा है बात यह मानो तो ब्लेसिंग है और नहीं मानो तो फिर दूसरा काम है तो खुदा ने कलीसिया को छोड़कर चला नहीं गया इसीलिए क्या लिखा है जिसकी आंखें ज्वाला की नाई है वो ये कहता है पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने जब उसका रूप देखा बाल श्वेत ऊन वरण पाले हैं, आंखों में से ज्वाला निकल रही है छाती पर पटका बांधे हुए हैं पैर पीतल के भट्टी में तपाए हुए है। से हैं, मुख से चौथी चौकी दोधारी तलवार निकल रही है ऐसे सीन को देखकर यो ना बेहोश हो गया लेकिन यीशु मसीह चर्च को छोड़ के नहीं गया इतनी हरकतों के बावजूद भी छोड़ के नहीं गया ये अदन की वाटिका में और नियम की कलीसिया में फर्क है तो अब हुआ है ना तो कलीसिया क्या क्या है चर्च एज जो 2000 साल वो समझो एक ऐसा खेत है एक ऐसा मैदान फील्ड है जिसमें बीज बोए जा रहे हैं कड़वे दाने भी बोए जा रहे हैं जो कि न्यूकोलाइटन्स के हैं बेलाम के हैं इसाबेल के हैं और इसी में जीवन के वृक्ष के दाने भी बोए जा रहे हैं जो अनंत जीवन वाले हैं ना द फॉल्स चर्च ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमेनाइज द गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड एंड फॉट द ट्रू क्रिश्चियन जो कड़वे दाने थे जो झूठी दाखलता थी उसने सरकार बनाई ऑर्गेनाइज किया डेनोमिनेशन बनाया और जो सच्चे लोग थे उनके ऊपर इल्जाम लगाना और सताना चालू कर दिया और हमने यह भी देखा था और आज तक देख रहे हैं इस बात को कि जो टेर से हैं अर्थात कड़वे दाने गेहूं के दाने तो वीट हो ही गया लेकिन गेहूं के अलावा जो कड़वे दाने जिन्हें टेर्स कहा जाता है वो ज्यादा फलते फूलते हैं ज्यादा उनकी तादाद और गिनती होती है पुराने नियम में अगर देखें तो वहां भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि सुहागिन की संतान और त्यागी हुई की संतान है वहां की नहीं है तो सुहागिन के ज्यादा है त्यागी के ज्यादा है जो त्यागी है जो रिजेक्ट हो चुकी है उसके ज्यादा संताने हैं और जो सुहागिन उसके थोड़े से हैं जो सेलेक्टेड लोग हैं वो तो थोड़े से हैं अच्छे वाले और जिनको रिजेक्ट कर दिया खुदा ने त्याग दिया है वो बड़े ढेर सारे हैं तो जो झूठी फॉल्स चर्च है इसके चर्च मेंबरशिप बहुत है इनकी ब्रांचेस भी बहुत है इनका फैलाव भी बहुत है ये हम 2000 साल के इतिहास में देख चुके हैं और आपने देखा जब प्रोसिक्यूशन क्रिश्चियंस के ऊपर आया था जिसमें करोड़ों क्रिश्चियंस को ने नहीं मारा है तो जो मारने वाले वो ज्यादा थे या जो मरने वाले वो ज्यादा थे मारने वाले है ना मारने वाले अगर एक शहर में दो लाख लोगों की आबादी थी तो बचने वाले केवल वहां पे सौ या दो सौ या पांच सौ थे बाकी दो लाख मारने सताने वाले थे ये जो मारने सताने वाले क्रिश्चियन है इन्हीं को तो फॉल्स वाइन कहते हैं, इन्हीं को तो कड़वे दाने कहते हैं तो हमेशा खेत में भी ऐसा ही होता है आपने किसी को घास बोते देखा ऊंट कटारे बोते देखा क्या भैया तुम करते हो खेती है तुम्हारे बाग में मालूम पड़ेगा फावड़ा लेकर के खुरपी लेकर के कहीं घास छोल रहे है कहीं झाड़ी छील रहे कहीं कही कुछ काट रहे बड़ा बचाना पड़ रहा तब कहीं जाके आम लगेगा लेकिन ये जितने खरपतवार झाड़ी झंकाड़ हैं ये बिना उगाए अपने आप उगते हैं कितने कितने ब्लेड है ये घास बिना उगाए अपने आप उगती है और गेहूं उगाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है निराई कर रहे गोलाई कर रहे हैं हल चला रहे हैं सफाई कर रहे हैं जब बीज बो दिया उसके बाद देख रहे हैं क्या क्या हो गया टेढ़े टेढ़े इनके निकालो तो हमेशा जो अच्छे क्रिश्चियंस हैं जो सच्चे क्रिश्चियन हैं वो हमेशा थोड़े मिलेंगे और इसीलिए मसीह इस ने कहा है हे छोटे झुंड मत डर क्योंकि पिता को पसंद आया है कि राज तुम्हें दे तो जो कड़वे दाने हैं जो झूठी दाखलाता है इनकी तादाद ज्यादा है गिनती ज्यादा है इनके चर्चेज बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ब्रांचेज इनकी पाई जाती हैं तो जो गेहूं की खेती थी वो भी फ्लारिश कर रही थी थोड़ी बहुत वो भी थोड़ी बहुत कर रही थी लेकिन कंपेयर किया जाए कि भैया ये पचास से मुश्किल से अभी तक डेढ़ सौ ही हो पाए हैं पचास से जो बिलीवर थे वो डेढ़ सौ हो पाए बड़ी मुश्किल से और जो दो हजार थे वो पहुंच गए पच्चीस हजार पे नकली वाले आज भी आप देख लो आप हर शहर में देख लो कितने बढ़ रहे हैं नहीं बाहर वाले ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं <laughs> क्यों भाई है यहां तो आप मजे ले रहे हो आप देखो यही देख लो वैसे भी इतने सालों में कितनी गिनती बढ़ोतरी हुई है और जिन्होंने नए नए डिनोमिनेशन बनाए, उनकी ब्रांचेज आज तक पांच सालों में कितनी खुल गई हैं? याद रखे ना एंड टाइम में भी नकली एंड टाइम है और बहुत तेजी से ग्रो करते हैं वो गिनती में भी और ब्रांचेज में भी लेकिन क्वालिटी उन्हें मरवा देती है ना <laughs> अब हुआ क्या जब दूसरा कलिशे काला है इस मुरना का इस मुरना का कल ही काल आया तो इसमें एक बुराई जो पहले चर्च में आई थी निकोलाइटन की सेकंड चर्च है मुरना में भी आ गई वो इस रूप में आ गई कि बड़े अच्छे अच्छे जो प्रचारक और पास्टर लोग थे उन्होंने भी अपने नाम के आगे एक पदवी लगाने का शौक उनको भी लग ही रहा जैसे बाइबल के अनुसार चर्च होता है एल्डर होता है पास्टर होता है बस लेकिन इन्होंने जो निकोलाइटन ग्रुप था इन्होंने बाइबल में चर्च होता है चर्च मेंबर होते हैं एल्डर होता है जो पुराना होता उस है उसे एल्डर कहते हैं नए को यंगर कहते हैं और जो सबसे बड़ा एल्डर होता है उसको पास्टर कहते हैं ये हाईएस्ट पोस्ट है इसके अलावा और कोई पदवी बाइबल में नहीं होती है लेकिन निकोलाइटन एक नहीं पास्टर से ऊपर एक और चीज है जिसे बिशप कहते हैं और बिशप से ऊपर भी एक वाज बिशप होता है मॉडरेटर होता है कैनन होता है एक से एक पदवी चालू कर दी तो जो सेकंड चर्चेज है इसमें भी यहाँ बुराई यहाँ तक आई कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कि पॉली कार्प ने भी इस बात को कंडेम नहीं करा बल्कि अगर लोगों ने बिशप कहना शुरू कर दिया मॉडरेटर कहना शुरू कर दिया कैनन कहना शुरू कर दिया और थर्ड सेंचुरी में तो पोप भी आ गया तो पदवियों को हटाया नहीं बल्कि निकोलाइटन को और ज्यादा पानी मिला है पोस्ट के नाम के जरिए से देखा था कि नहीं देखा दूसरी एक और बात होती कि इन द सेकेंड चर्च इज द ट्रू चर्च हैड लॉस्ट इट्स फर्स्ट लव पहले जो खुदा से प्राण प्यार था अंधा धुंध प्रेम था उसमें थोड़ी कमी आ गई ढीलापन आ गया में थोड़ी कमी आ गई है ना और जैसे पहले पॉल उस लिखता है कि मेरे लिए तो जीना मसी वो आयत पढ़ लेते हैं। रोमियो चौदह बाब रोमियो चौदह बाब और उसकी सात से नौ आयत तक ये लोगों का स्टाइल रहा करता था क्या लिखा क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है ना कोई अपने लिए मरता है अब आप बताइए पोलूस आप अपने लिए बोलिए हमारे लिए क्यों कह रहे हैं लेकिन सबका यही हाल है जितने भी क्रिश्चियन थे ये बात चलिए ऑलमोस्ट सिक्सटी से सिक्सटी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव ए की बात चल रही है पोलूस क्या लिख रहा है क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है तो फिर किसके लिए जिंदा हो भाई कुछ लोग कहते हैं हम तो अपने बच्चों के लिए जिंदा हैं कितनी गंदी बात होगी हम तो अपनी बीवी के लिए जिंदा हैं पत्नी के हमारा कौन है इस दुनिया में बस ये है हम इन्हीं के लिए हैं तो आप हो बेवकूफ सारे के सारे जो अपनी बीवी के लिए हो अपने पति के लिए हो पत्नी के लिए हो बच्चों के लिए हो माँ बाप के लिए हो अगर आप इस दुनिया में दुनियावी लोगों के लिए हो तो मेरी गाली सुन लो आप सब फिर निकम्यो श्रापित हो <coughs> देखिए क्या लिखा है आठवीं आयत में, में? क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं जीवित। है भाई या जिंदा है तो बच्चों के लिए जिंदा है भाई इनकी शादी हो जाए उसके बाद फिर कुछ भी हो किसी के लिए भी जिंदा हो लेंगे इनकी नौकरी लग जाए ट्रेनिंग खत्म हो जाए उसके बाद किसी के लिए भी जी लेंगे लेकिन तब तक, तक तो बच्चों के लिए हैं है? पकड़े गए क्या <laughs> लिखा है क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं सो so, हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभु हो अगर आप जिंदा हैं तो प्रभु के लिए मर रहे हैं तो प्रभु के लिए तो याद रखना प्रभु से आपका रिश्ता इस जन्म में भी उस जन्म में भी बराबर है लेकिन अगर आप अपने बीवी बच्चों माँ बाप के लिए जिंदा हैं तो याद रखना एक दिन तो तारा टूटेगा ही टूटेगा और उसके बाद आप किसी कहीं किसी दिन धर्म के नहीं बचोगे तो अगर आपको मोह हो लगाव हो अपने बच्चों से अपनी पत्नी से अपने पति से अपने माँ बाप से कि वही आपके लिए सब कुछ हैं तो इस मोह को भंग कर लीजिए तोड़ दीजिए वरना स्वर्ग में आपके लिए फिर जगह नहीं है अगर खुदा को अपने प्राथमिकता नहीं दी तो आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी जिसको प्राथमिकता दी वहीं चले जाओ वहीं पर फिर हुँ? तो पहले कलिस काल में ऐसा हिसाब था सेकेंड में भी काफी कुछ ऐसा था लेकिन कुछ ढीला सा मामला होने लगा था हु? अब हुआ क्या इस युग में आके दूसरे कलिस काल में आकर के जो फॉल्स वाइन थी उसकी नफरत कुछ इस ज्यादा हद तक बढ़ गई कि उन्होंने जान से मारना तक शुरू कर दिया ट्रू क्रिश्चियंस को चर्च के अंदर जो सच्चे क्रिश्चियन थे उनको जान से मारते थे उनके साथ बहुत बुरे बुरे बर्ताव किया करते थे तो हुआ क्या एक काम और इन्होंने चालू कर दिया सी दे हैव सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ द ट्रू दे वेंट आउट फ्रॉम देम दे वर लायर्स दे कॉल्ड देमसेल्फ व्हाट दे आर नॉट बट इट गॉट डिस्ट्रॉय देम नो लेट देम अलोन एंड बोथ विल गो टू द हार्वेस्ट उन्होंने कहना चालू कर दिया हम असली क्रिश्चियन हैं हम सच्चे मसीही हैं हम असली विश्वासी हैं। देखिए एक बहुत बड़ा पैटर्न है शैतान का और आज भी चल रहा है शैतान नकली है और असली को कब्जा करके दावा ठोकता कि मैं असली हूं यह शुरू से रहा है झूठी दाखलाता ने सच्ची दाखलाता को मार मार के सींग मार मार के ढकेल के भगा दिया और क्या कहा हम हैं असली क्रिश्चियन हम असली उत्तराधिकारी हम है यीशु के चेले और हम है अनंत जीवन के देने वाले ये तब भी था और ये आज भी है आप एन टाइम मैसेज में देखिए जितने नकली है ना वो इस बात का दावा ठोकते हैं हम है ब्राइट हम है रेपचर में जाने वाले हमारे पास है केवल प्रकाशन हम ही केवल रसीद काट रहे हैं स्वर्ग की हम ही केवल राइट ट्रू रेवलेशन वाले हैं हम ही केवल ट्रू बिलीवर हैं, हमारे साथ नहीं तो तुम नरक में जाओगे ये दावा आज भी है और यह दावा कल भी था जो ऐसा दावा करते हैं बताता है, जो ये ऐसा दावा करते हैं कि हम ही अनंत जीवन के ठेकेदार हैं हम ही केवल स्वर्ग जाने वाले हैं हम ही केवल ब्राइड हैं, हम ही केवल सच्चाई के जानने वाले हैं हमारे ऊपर ही केवल प्रकाशन खुला हुआ है नबी का मैसेज बताता वो झूठ बोलते हैं गलत आत्मा से प्रेरित होकर ऐसा बोलते हैं तुम्हें क्या पता ये बात तो खुदा जानता है तुम ठेकेदार बन रहे हो ना जो गलत बोल रहे हो तुम्हारे अंदर जो दुष्ट आत्मा है तुम्हारे अंदर जो जलन का आत्मा है तुम्हारे अंदर जो घमंड का आत्मा है तुम्हारे अंदर जो निकोलाइटनिज्म का आत्मा है वो चिल्ला करके बता रहा है इन डायलॉग के माध्यम से कि तुम खुदा के नहीं शैतान के आत्मा से ग्रसित हो और एक और बात हमने जानी दिस वाइन द डिसन ये जो दाखलता है शैतान की दाखलता है और जैसे उसमें भी हमने पढ़ा था ये ईशाए में भी ये शायद त्रिपन ही पढ़ा था ये पता नहीं चौसठ तिरसठ में कि वो इकट्ठे तो होंगे भीड़ तो लगाएंगे लेकिन मेरी ओर से नहीं देयर गैदरिंग इज फ्रॉम डेविल वो भी चर्च लगाते हैं पूछो किसका लगा रहे हो यीशु मसीह का क्या करोगे दुआ कौन सी किताब बाइबल पढ़ोगे प्रभु भोज करेंगे सारे काम तो संस्कार तो वो नाम ले रहा हो जो क्रिश्चियन बाइबल वाले करते हैं लेकिन है सभा किसकी शैतान की ये भी एक मिस्टीरियस बात है जो खुदा का शुक्र हो इस प्रकाशित वाक्य में खुदा ने सिखा दी और समझा दी दे मीट इन द नेम ऑफ गॉड एंड लाई दैट दे आर क्राइस्ट खुदा के नाम में जमा होते हैं और झूठ बोलते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के हैं दे प्रीच दे टीच दे बैप्टाइज दे वर्शिप दे पार्टेक ऑफ वेरियस राइट्स गिवन बाई क्राइस्ट टू द चर्च Yet दे आर नॉट ऑफ गॉड क्या कड़वी बात है प्रचार वो करते हैं मीटिंग वो करते हैं बैप्टिजम वो देते हैं वर्शिप वो देते हैं और जो अलग अलग संस्कार दे रखे हैं बाइबल में उनको भी प्रैक्टिस करते हैं बट दे आर नॉट ऑफ द गॉड फिर भी वो खुदा के नहीं है ये बात हमने बहुत गहराई से हमने समझे बैठे हैं हम तो केवल आज एक, एक, एक रिव्यू देख रहे हैं बस आज हम डिटेल में नहीं जाए डिटेल हम देख चुके हैं सब है ना जिस प्रकार से बलाम नबी का एग्जाम्पल है बलाम उसके पास प्रोफेटिक ऑफिस था कि नहीं है वो भी इब्राहिम के वंश से आ रहा था कि नहीं आ रहा था वो कुर्बानी चढ़ाना जानता था कि नहीं ये मसीह आने वाला उसके बारे में जानता था कि नहीं सैक्रीफाइस उसी ने चढ़ाए थे कि नहीं सेवन रेम्स ए ट्रू वर्ड प्रॉफिट फिर भी खुदा का सच्चा नबी नहीं था क्यों क्योंकि जब खुदा ने उससे कहा ये जो बालक के भेजे हुए लोग हैं इनके साथ मत जा तो उसने खुदा की बात का विरोध किया क्योंकि ही वॉज मोटिवेटेड बाई हिज लस्ट फॉर गोल्ड एंड प्रेस्टेज उसे सोना चांदी पैसा इज्जत शोहरत एक बहुत बुरी चीज है शोहरत लोगों को जो शोहरत लोग मुझे जाने लोग मुझे पहचाने लोग मेरा जलवा देखें ये इतना बड़ा दुष्टात्मा है कि इससे सबसे ज्यादा लोग मरते हैं इनको पाने के लिए सोना चांदी दौलत तो था ही था शोहरत पाने के लिए बिलाम ने खुदा की मर्जी भी टाल दी और बाद में खुदा की मर्जी क्या टाल पाओगे खुदा को जो बरकत देना थी इसराइल को तो देगा ही देगा शराब कितने देना चाहो वो दे नहीं पाओगे वो तुम्हारी जबान मोड़ करके तुम्हें उल्टा कर देगा तो खुदा की मर्जी पूरी हुई लेकिन बिलाम का क्या हुआ बलाम ने अपनी मनमर्जी को पूरा करना चाहिए इट वॉज बलाम हु लूजर फॉर ही बाईपास वर्ड ध्यान देना यदि वर्ड को आप बाईपास करोगे नजरअंदाज करोगे और अपनी मनमर्जी पूरी करोगे आप लूजर रहोगे हमेशा आप नुकसान में रहोगे आज भी जैसे लोग क्या कर रहे हैं एंड टूडे दैट द वेरी सेम थिंग वही चीज मिलेगी आपको वुमन प्रीचर्स खुदा की मर्जी क्या औरतें प्रचार करें लेकिन लोग बाईपास करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले और वुमन प्रीचर अपॉइंट करे बैठे हैं अगर आप वुमन प्रीचर करोगे अपॉइंट तो आपने खुदा की मर्जी को तो टाल दिया याद रखना कि खुदा आपको आउट कर देगा ऑर्गेनाइजेशन खुदा ने कभी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही है बल्कि विरोध किया है और अगर आप भैया फिर शादी कैसी होगी फिर कब्रिस्तान का क्या होगा फिर और एडमिशन का क्या होगा कुछ तो करना ही पड़ेगा भैया बताओ वरना बताओ आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे तो बच्चों से ब्रैकेट में आ गए हैं अब क्या कुछ भी कहो इफ यू आर बाय पासिंग द वर्ड ऑफ गॉड फॉर ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी द लूजर false doctrine etc झूठी शिक्षाएं बाइबल से हटा करके आप अपने मनगणन शिक्षा बना देते हैं संस्कार बना देते हैं यह सब आपको नुकसान में और घाटे में पहुंचा देंगे बलाम जो था हालांकि उसने कमीशन जो पाई थी उसके हिसाब से वो उल्टा चला इसमें कोई इनकार नहीं कि खुदा ने बलाम से बात नहीं करी करी और आज भी खुदा लोगों से बात करता है सही करता है आज भी बहुत सी जगह आपको सुनने मिलेगा कि खुदा ने मुझे बात बताई तुम हो तो नालायक आदमी तुम्हें कैसे खुदा बता सकता है क्यों जब बिलाम को बता सकता है तुम्हें नहीं बता सकता यह को बता सकता तुम्हें ही बता सकता जब गधी को बता सकता तो तुम्हें भी बता सकता है जब खुदा ने शैतान से बात करी तो तुम्हें ही बता सकता है तो खुदा ने अगर कोई बात कही है तो बात देखिए वो है क्या किस मकसद से क्या है उससे पता पड़ जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं जिससे खुदा ने बोला है एज ही न्यू दैट बलाम वॉन्टेड हिज ओन हार्ट डिजायर द दर्ल्ड क्योंकि खुदा को मालूम था बिलाम को अपने मन की मर्जी करना है खुदा की मर्जी के ऊपर भी जब कहा जाता है कि बहन जी बाल ना कटाएं लेकिन आपको मन मर्जी पूरी करना खुदा की मर्जी के ऊपर भी हम तो कटाएंगे हमें स्मार्ट लगना है जब आपको मालूम है खुदा की मर्जी बता रही है कि आपने लाल पीला नीले रंग रोगन नहीं लगाना है लेकिन आप खुदा की मर्जी को बाईपास करके कर दी हम तो लगाएंगे मन मर्जी पूरी करोगी कर लो जब जूते खाओगे उसके बाद देखना जिस चीज में आप अपने आप को इज्जतदार मान रही हैं याद रखना बहनजी और भाइयों जिस खुदा की मर्जी को टालकर आप सोच रहे हो कि मुझे इसमें रुतबा मिलेगा मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी मुझे नेम एंड फेम मिलेगा मुझे चार लोग जानेंगे याद रखना उन चार के बीच में आपको खुदा जूते पढ़वाएगा उन्हीं भीड़ के बीच में आपकी बेजती करवाएगा जितने के जिसके बीच में आप सुंदर बनना चाह रही उन्हीं के बीच में खुदा आपके मांस को सड़वाएगा कि भैया क्या हुआ ब्यूटीफाई होने गए थे वो स्किन कैंसर हो ले आए अब ब्यूटी सबको दिखाई दे रही कैंसर के रूप में जो जो कुछ ऐसा करते हैं ना भाइयों के अपने काम है बहनों के अपने काम है यदि आप खुदा की मर्जी को टाल करके ये सोच रही हो अरे हम तो ही स्मार्ट लगते हैं ऐसा करके हम तो स्मार्ट लगते हैं हम तो डायनामिक लगते हैं हम तो ये लगते हैं हम तो वो लगते हैं आप सोच लो याद रखना ये घूरा आपका इंतजार कर रहा है जिस पब्लिक को आप दिखाना चाहते हो उसी पब्लिक के सामने अब आपकी बेजती होगी उसी पब्लिक के सामने आपका गंदा रूप आएगा उसी पब्लिक के सामने आपकी सड़ाहट दिखाई देगी तब कहा छुपाओगी तब भाई साहब कहां छुपाओगे अपने आप को जब इलाज चलेगा और सारी दुनिया देखेगी और सारे चेकअप सामने आएंगे तब कहां छुपाओगे और ये बातें सामने आएंगी ऐसा हुआ क्यों जब पूछा ऐसा हुआ क्यों? आप तो ठीक ठाक थी क्या बताएं वो एक वो ऐसी क्रीम लगाई थी वो रिएक्शन कर गई रिक्रीम क्यों लगाई थी सुंदर होने के लिए लगाई थी चिकनाई के लिए लगाई थी ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाई थी उसने क्या करा स्किन सड़ा दी गला दी अब क्या हो रहा है अब सारे जमाने को आपकी खूबसूरती के बजाय बदसूरती दिखाई दे रही है मतलब समझ जाइए बात को कि जिस चीज को आप ग्रैब करना चाह रहे खुदा की मर्जी टाल करके उसी चीज में आपको जूते पड़ेंगे और सारी दुनिया देखेगी बिलाम ने यही किया उसने चाहा कि मैं सबके सामने इज्जत शोहरत मर्तबा, पोजीशन ये हासिल कर लूं लेकिन हुआ क्या उसका क्या मिला उसे कौती ने बहुत चाह कि मैं भी बहुत कुछ कमा धमालू, धमा बहुत कुछ कर लूं लेकिन अल्टीमेटली उसे मिला क्या आप किसी का भी एंड रिजल्ट देखिए दुनिया बाइबल में उठा के और दुनिया में इतिहास उठा के जिन लोगों ने खुदा का विरोध किया और खुदा का विरोध या उसकी मर्जी टाल करके अपनी मन मर्जी पूरी करने के लिए जानते हुए भी उल्टे सीधे अपराध करे हैं आप उनका अंत देखिए कितना दुखदाई और कितना शर्मनाक रहा है नजर ने भी चाहा था कि इतने बड़े बाबुल का बनाने वाला इतने बड़े पैलेस का हैंगिंग गार्डन का आर्मी का इंजीनियरिंग टेक्चर का इसका उसका मैं ही तो क्रिएटर हूं मैं ही तो फॉर्मेटर हूं मैं ही तो सब कुछ हूं आई एम द ग्रेट किंग ऑफ दिस वर्ल्ड द ग्रेट नबूकद नजर सबके सामने जो अपनी महानता दिखाना चाहता था खुदा ने क्या करा नंगा बिना वस्त्रों के राजा नंगा सात साल रहा एक दिन बाल नहीं कटे घास चढ़ता था वेल की तरह मैदान जंगल में रहता था लोग कहते होंगे इज ही द सेम किंग क्या ये वही नबूकद नजर बादशाह है जो इतने लाखों करोड़ों का चोगा पहनता था इतने खूबसूरत वो वस्त्र पहनता था इतने बढ़िया गंधरस और जन कहा के बेल बूटे वाले कपड़े और कौन कौन से सेंट लगाए करता था कौन से स्टाइल के बाल बनाए करता था कैसा मुकुट होता था कैसे घोड़े पे रथ पे चला करता था क्या जलवे वाल था क्या ये वही है जो आज नंगा चार पैरों से चल रहा है आपने जो इज्जत खुदा को टालकर आपने जो मर्तबा पाना चाहा खुदा को बर्फ में लगा करके खुदा ने उल्टा आपको बर्फ में लगा दिया और सारी दुनिया के सामने आपकी इज्जत नहीं आपकी बेइज्जती का खुलकर पर्दाफाश करके खूब इश्तेहार करवा दिए तो मेरे भाइयों बहने नसीहत हमने ली थी कि खुदा की मर्जी को हम बाईपास ना करें होशो हवास में हमें पता ही नहीं था हम जानते ही नहीं थे इसलिए जो अच्छा लगा सो करते चले आए, इस नादानी को खुदा जानता है और क्षमा भी करता है लेकिन जानबूझकर अगर करते रहे तो फिर भाई बताती है अगर हम जानबूझकर ऐसा करते रहे तो फिर भयानक आग का ज्वलन बाकी है और उसका इंतजार बाकी है हुँ? दिल ऑफ गॉड विल बी डन रिगार्डलेस हर उसके बाद आगे चलते हैं <coughs> ये जो, जो शैतान का ग्रुप था देट्रेड एंड ब्लास्टेमी ऑफ सेटन अगेंस्ट दिल बी वेड थ्रू ए ग्रुप हु फॉल्स क्रिस्चियन शैतान की मर्जी को पूरा करने के लिए और शैतान की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एक ऐसे ग्रुप के द्वारा एक ऐसे झुंड के द्वारा वो काम करवाएगा जो कौन के के है झूठे मसीही हैं एंड दिस विल इंक्रीज अंटिल गॉड फॉल्स वाइन एट द एज और ये तब तक चलता रहेगा जब तक लोदी के काल के अंत में खुदा इन सबको उखाड़ ना फेंके और उसमें आग में जो छठी मोहर वाली है झोंक दे फिर आए तीसरा कलिश काल का। हुँ? यहां पर जो निकोलाइटन और बिलाम की जो काम थे अब डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट हो गए डॉक्ट्रिन का मतलब होता है शिक्षा मानना पड़ेगी डॉक्ट्रिन कंपलसरी होती है डॉक्ट्रिन ऑप्शनल नहीं होती जैसे हमारे भारत देश का संविधान हम पे लागू है वो ऑप्शनल नहीं मानो ना है मानो चाइना अमेरिका का संविधान हर अमेरिकन पे लागू है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम कानून हैं, आपके ऊपर बंधन है आपको मानना पड़ेगा भाई विनोद बैंक में काम करते हैं सोचे अब सारे बैंक में जितने पैसे सब मेरे ही तो हैं वो लाला आए थे ना जितने बेगमपुर के और मालवीय नगर के सब नोट दे गए ऐसा आज मैं लेके सारे घर चला जाता हूँ क्या भाई कर सकते हो फिर वो टेलर बैठा हुआ है चेकर बैठा हुआ है एंट्री हो रही है लॉग बुक है भाई साहब वहां तो एक एक पैसे है वो तो पूछ लेते हैं। मार्च में कहो क्या हाल चाल है <laughs> कि घर कितने बजे पहुंचे रात में जी और क्या क्यों क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की एक नियम है वो डॉक्ट्रिन है उनके सिद्धांत हैं उनकी शिक्षा उनके रूल हैं उसको आप तोड़ नहीं सकते तो जो निकोलाइटन के जो सिद्धांत हैं वो उसको कोई तोड़ नहीं सकता मेंबर वाला मैथडिस्ट हो चाहे पेंटिकॉस्टल हो चाहे सीएनआई हो चाहे कैथलिक हो चाहे ओनली चीजा चाहे हो वेटनेस कोई सा भी क्यों ना हो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल को आप नहीं तोड़ सकते आप जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं क्या आप अपनी कंपनी कॉरपोरेट के रूल को तोड़ सकते हैं आ जाएगा का लेटर, such such जाओ अपना हिसाब ले लो यहां से और डीफीएमओ के और तुम्हारे सर्कुलेशन में चला जाएगा नाम जो कोई दूसरा भी नौकरी ना दे तो डॉक्ट्रिन जो थी अब चर्च में डॉक्ट्रिन आ गई है निकोलाइटन्स की बिलाम की अब तो भाई साहब मानना पड़ेगा इसमें लीनियंसी है ही नहीं तो पूरा होगा और एक से एक पदवी पोस्ट कर क्लर्जी बिटवीन मैन एंड गॉड अब लोगों के बीच में और खुदा के बीच में यीशु मसीह तो गया साइड में अब ये क्लर्जी आ गए बीच में पुरोहित आ गए पादरी आ गए बिशप आ गए पोप आ गए कार्डिनल आ गए ये चौलिए आ गए <coughs> जाइए एक बिचौली है सेंट फिलोमिना कहते हैं जिन्हें जिनको बच्चे चाहिए तो सेंट फिलोमिना से बात करो वो पहुंचे बच्चे दिलवा देंगी जिनको कुछ और चाहिए वो सेंट सिसिलिया से बात करो वो दिलवा दे देंगी जिनको कुछ और चाहिए तो सेंट जूड से बात करो सेंट जूड करवा देंगे सेंट फ्रांसिस से जाके मन्नत मान लो सेंट फ्रांसिस गोवा से दिलवा देंगे ऐसा होता कि नहीं होता ये बिचौली है कहां से आ गए बाइबल क्या बताती है मनुष्य और खुदा के बीच में केवल एक ही बिचवाई है प्रभु यीशु मसीह है।, है ना आवर लेडी ऑफ ग्रेस है ना हमारे पास भी सिस्टर ग्रेस है लोग जाते हैं टूरिस्ट इसराइल जाते हैं होली लैंड होली लैंड जाते हैं होली लैंड में चलते चलो जहाँ ये चौधरी पैदा हो देख कर तो वहाँ पर नेटिविटी चर्च है और वहाँ पर भी होलीनेस वाले बैठे हुए हैं सलीमे लिए आप अगर अपनी मन्नत पूरी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंट सो एंड सो मौजूद है उनकी चेन्नई चले जाओ थोमा क्या चले जाओ? थोमा तो कुछ नहीं कर पाएंगे चेन्नई में चले जाओ तो सेंट थोमा तो कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन सेंट थोमा की पड़ोसन सेंट फिलोम ना कर देंगी बक्सा भी रखा हुआ कहा इतना बड़ा स्टेच्यू भी बहुत बड़ी बनी हुई है तो ये बीच के बिचौलिए कहां से आ गए निकोलाइटन <coughs> डॉक्टर्स थी जिन्होंने खुदा और इंसान के बीच में लोगों को बैठा दिया और उनको सेंट सो एंड सो संतों के नाम दिए आगे चलकर तो प्रोटेस्टेंट में भी ऐसा ही होने लगा उन्होंने बीच में ऐसे बैठा दिए कि इनसे कह दो बस यही फाइनल है तुम्हारी गॉड गिविंग द certain rights, ऑल द while डिनाइंग द लेटी their गॉड गिवन rights. अब जो हर व्यक्ति को अधिकार था वो डायरेक्ट खुदा से बात कर ले मुलाकात कर ले प्रार्थना कर ले डिमांड कर ले वो तो खत्म हो गया अब होने लगा अगर किसी को कुछ काम है उनके पास जाओ उनके पास जाओ अरे अरे खुदा के पास जाओ ना सीधे ऐसी शिक्षा आ गई कि आपकी वो सुनेगा ही नहीं सेंट मेरी चले चले यार अभी अभी आ रहा नवंबर हाँ अरे सरधना सरधना दस तारीख को होगा दस तारीख को सेकंड संडे होता ना सेकंड संडे सारे क्रिश्चियन यूपी बिहार जाने पंजाब हरियाणा के बसें भर भर के सरधना आ रहे हैं माता मरियम से मन्नत मानने के लिए मोमबत्ती लेकर जा करके वहां पहुंच रहे हैं किस लिए माता मरियम से प्रार्थना करेंगे वो पहुंचा देंगी ये माता मरियम कब से बिचौलिया बन गई ये शिक्षा निकोलाइटन ने चालू करी थी और थर्ड सेंचुरी में आकर के परमानेंट पक्का रूल बन गई थी इट वॉज एस्टेब्लिश इन द चर्च कलिशा में बात पक्के तौर से लिखित में शिक्षित रूप में आ गई थी एज द अश्योर्ड वर्ड ऑफ गॉड कि चर्च ने जो कह दिया वो ही खुदा का कलाम है विच इंडीड इट वॉज नॉट जो कि चर्च का वर्ड जो चर्च का कहना वो चर्च का है वो खुदा का कहना नहीं है बट द क्लर्जी कॉल इट द वर्ड ऑफ गॉड एंड देर फोर द डॉक्टर वॉज एंटी क्राइस्ट लेकिन जो प्रचारक तबका क्या कहता था नहीं ये खुदा का कलाम अरे खुदा की बात नहीं मानोगे तुमने खुदा की बात टाल दी खुदा की बात कहें तो पांच स्टेट कमेटी की बात थी वो टाल दी नहीं ये खुदा की बात है ये खुदा के बंदे हैं कमेटी वाले सब खुदा के बंदे बैठे हैं इन्होंने जो कह दिया ना पांच सौ एक पांच सौ एक देना सबको तो खुदा की बात है पांच सौ तक अगर आपने नहीं दिए है ले भाई जो पास्टेट कमेटी ने कह दिया जो कलर्जी ने कह दिया जो कमेटी ने बोल दिया वो सब खुदा का कलाम है और लोगों ने भी मानना स्वीकार करना शुरू कर दिया हाँ भैया ये खुदा का ही कलाम है इतना ज्यादा अंधविश्वास था और मार्टिन लूथर के बारे में आपने सुना है किस अंधविश्वास से जब लोग निकले हैं तो क्या सैकड़ों ऐसी गंदी गंदी खराब खराब मूर्खता से भरी बातें थी जिसको लोग सिद्धांतों के रूप में मानते थे अगर आप सलीब को दस बार चूम लोगे तो ऐसा हो जाएगा रोजरी कहां से आई भाई क्या चीज होती है रोजरी हेल मेरी दी मदर ऑफ गॉड हर इंटरवल पे हेल मेरी दी मदर ऑफ गॉड खुदा की माता सलामे मरियम है ना खुदा की माँ मरियम की महिमा हो ये कौन सी बाइबल ने बताई कि रोजरी पढ़ा करो मूसा तो कहता कि यह वचन जो लिखे हुए हैं खुदा ने दिए इन्हें पढ़ा करो उसे तो पढ़ नहीं रहे ये रोजरी बनाई किसने पतरस ने याकूब ने युहन्ना ने मूसा ने एलिया ने डेनियल किसने बनाई रोजरी हुँ? लेकिन ऐसा माना जाता है कि रोजरी अगर पढ़ ली तो खुदा का काम हो गया और नहीं पड़ी तो आपसे अपराध हो गया हर कैथलिक घर में ग्रेटो मिल जाएगा कॉर्नर में क्यों सिस्टर ग्रेटो बनाना पड़ता है अल्टर बनाना पड़ता है वहाँ पे माता मरियम को रखना पड़ता है टाइम से मोमबत्ती भी जलाना पड़ती है अगरबत्ती भी लगाना पड़ती है कभी कभी उस पे सिंदूर भी लगाना पड़ता है उसे तीर्थ त्यौहार पर सजाना भी पड़ता है क्यों सुनिए अपन कहते ना चाय पीने वहाँ पर मदार पे वही <laughs> बैठ के चाय पी थी हमने ग्रेटो की भाई सेवा चल रही थी किसने सिखाया ये लेकिन क्या ये संस्कार बिल्कुल खुदा का नहीं मानता हर कैथलिक व्यक्ति नहीं मानता जबकि बाइबल में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कलर्जी ने जो नियम कानून शिक्षा सिद्धांत संस्कार बनाए हैं उनको खुदा का एश्योर्ड वर्ड मान करके लोग चलते आए यह काल में हो गया था केवल कैथलिक ही नहीं प्रोटेस्टेंट के अपने अपने हैं है, मैथुडिस्ट के, है, के, है, के अपने अपने सबके अपने अपने जब मुराद तो मैथोडिस्ट के अपने हैं सी के अपने हैं किसी के अपने हैं किसी सब के अपने अपने बने हुए हैं एक से एक सिस्टम बने हुए हैं खैर जल्दी चलते आगे तो पिर से काल में सब चल रहा था बिकॉज ह्यूमन गवर्नमेंट इज पॉलिटिक्स प्योर एंड सिंपल ह्यूमन गवर्नमेंट इंसानों के द्वारा बनाई गई सरकार चर्च में बिल्कुल प्योर और सिंपल है इंसानी है द चर्च बिकेम इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स

और चर्च को स्टेट से सहायता देना पैसा देना बिल्डिंग देना मेंटेन जो क्या क्या देना चालू करा और हुआ ये कि चर्च जो था स्टेट के हाथ में एक कठपुतली बन गया जब चर्च को स्टेट अभी वाई वो आएगा कोर्ट आएगा जब चर्च को स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करने लगे वो उसकी गार्जियन बन जाए वो उसको प्रोटेक्ट करने का वायदा करने लगे आप समझिए चर्च खुदा के हाथों से निकल कर इन इंसानों के हाथों में चला गया और वो खत्म है कहने को तो बड़ा और देखो कभी पैसे की जरूरत हुई कभी बिल्डिंग की जरूरत हुई भाई कभी अब देखो यहां किराए के उसमें रह रहे हैं कितनी अच्छी चीज होगी गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले तो और गवर्नमेंट टेक ओवर करती उसके बाद करती कौन सा मारती है ये भी सब जानते हैं फिर पवित्र आत्मा से चलाई चलती है वो तो है ना पवित्र आत्मा ने अभी बताया है इवन विद इन ट्रू चर्च मैन फ्रॉम गॉड कॉल्ड ओवरसीज होल्डिंग द टाइटल टू मीन ए little मोर देन जस्ट ए लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक की जो सच्ची कलीसिया थी कुछ लोगों को हवा ऐसी लगी कि उन्होंने भी अपने नाम के आगे वो टाइटल लगाना शुरू कर दिया जैसे बिशप ओवर काफी था पास्टर काफी था लेकिन उन्होंने भी कहा अरे सब लगाने तो चलो आप भी तो आप भी तो पाई साहब हो ना क्या हाँ पाई साहब हाँ तो आपने आपका सीनियर कौन है सीनियर तो हमारे बड़े वही है हम लोग तो जूनियर अच्छा तो वो बिशप होंगे ना उन ना चलो इन्हें बिशप ही मान लो रेवरेंड ही मान लो अल्टीमेटली हुआ कि कुछ सही जगहों पे भी ऐसा होने लगा <coughs> जबकि पॉलस कहता है फॉर पॉल हैड सेड एंड दे ग्लोरीफाइड गॉड इन मी पॉलस लिखता है कि जब मैंने सामर्थी काम किए लंगड़े को चंगा कर दिया बीमार को ठीक कर दिया दुष्टात्मा निकाल दी तो बजाय इसके कि मेरी तारीफ और महिमा करते ये जो पब्लिक थी दे ग्लोरीफाइड गॉड इन मी पोल ने इस तरीके से उस काम को पेश किया कि लोगों ने खुदा की तारीफ करी जो कि खुदा ने पोलिस के जरिए से काम किया था और हर क्रिश्चियन के लिए जरूरी है कि जब वो किसी काम को करता तो महिमा को अपने ऊपर ना ले महिमा खुदा को दे मान लीजिए आपने अच्छा प्रचार किया कई लोग कन्वर्ट हो बच गए आपने अच्छी प्रार्थना करी कई दुष्ट आत्माएं निकल गई बीमार ठीक हो गए आपने भविष्यवाणी करी वो पूरी हो गई आपने कुछ और काम किया सामर्थ्य काम वो प्रदर्शित हो गया और लोगों ने कहा अरे भाई आपका क्या जलवा है ये नो 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 उस व्यक्ति को चाहिए क्या भाई साहब खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया जरूर उसके लिए खुदा का शुक्र हो लेकिन करने वाला मैं नहीं बल्कि खुदा है ये जो मेरे द्वारा से प्रार्थना निकली है जो प्रचार हुआ है जो कुछ भी आत्मा ने काम किया है वो खुदा ने किया है ठीक है किसी ना किसी फुकने को तो इस्तेमाल किया जाएगा बजाने के लिए मैं वो फूकनी हूँ जिसमें से खुदा ने फूक करके सुर निकाल दिए हैं हम और आप वो सब बर्तन हैं जिनके अंदर से खुदा काम करता है तो महिमा अपने आप को नहीं लेना चाहिए जैसे एक बार से भाषण दिया और लोगों ने कहा अरे ये इंसान नहीं खुदा बोल रहा है ये तो खुदा बोल रहा क्यों राशन पानी का खर्चा वहीं से आना था चमचागिरी में लोग नहीं करते हैं चमचे बड़े 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 डायलॉग मारते हैं ऐसे कि कई बार सुनने वाले को ही जाती है यार इतना तो ना चढ़ाओ हमें तो उसने कहा जब मैं ऑर्डर देता हूं अगले महीने से सबको जो 40 किलो चावल मिला करता था अब एक कुंटल मिला करेगा हमने कहा कर, हॉली लुयान सबको तेल फ्री में कनस्तर मिला करेगा अरे ये तो खुदा बोल रहा है ये खुदा बोल रहा है <laughs> थैंक यू कोई बात नहीं ये अपना जलवा ऐसा ही है लिखा भाई उन्होंने हिरोदेश ने खुदा की तारीफ नहीं करी और ने वहीं उसको मारा जबकि हिरोदेश तो भैया था राजा था और वो कीड़े पड़ के मर गया कहना चाहिए था अरे जनता जनार्दन मैं राजा हूं माना ठीक है लेकिन ऊपर वाले ने देखो यहोवा ने इतनी मेहरबानी कर रखी है तो हम सोचते हैं चालीस किलो क्या एक एक कुंटल दिया करे देने वाला तो दे खुदा है ना आपको एलिया का सीन याद है जब आराम का सेनापति जब अकाल पड़ा था और वो चार कोढ़ी भूखे मर रहे थे कहते हैं भाई नगर के ऊपर चारों तरफ पहरेदारी से सिपाही दुश्मनों ने घेर रखा है हमारे जो हमारे साथी हैं भूखे मर रहे हैं गधे के सर और कबूतर की बीट बिग रही है कबूतर की बीट उसको कैसे खाते होंगे क्यों गुलशन है कोई रेसिपी तो नहीं ऐसी <laughs> कि कबूतर की बीट का कुछ बनाओ कि हाँ सूप बना देंगे कबूतर की बीट को घोल करके नमक पिजन पिजन सूप पिजन सूप कुछ तो एनर्जी आएगी है कबूतर की बीट बिक रही थी भाई साहब समझो इतनी महंगाई थी अल्टीमेटली चारों बोलते हैं यार हम भूखे तो मरिए कोढ़ी वैसे ही शहर में जा नहीं सकते एक काम करते चलो दुश्मनों के यहाँ चल के देखते हैं और जब देखा तो मालू पड़ा खुदा ने वैसे उनको डरा कर भगा दिया था खाली थे गधे बंदे अनाज पड़ाज सोना चांदी सब खूब खा तो थे, थे, पहले तो खाया उन्होंने क्योंकि कई दिन के भूखे थे बीमारी वैसी थे भूखे थे कह रहे पहले तो खा लो यार भैया मिल गई आज कई दिन के बाद रोटी मिली खूब खाओ कह रहे यार मजा आ गया अब क्या करें इतना कितना खाएंगे थे तो तो पूरे दो लाख लोग छोड़ के भग गए वरना चलो अपने भाइयों को बता देते कि वहां लूट लो माल खाली पड़ाओ माल पूरा बाजार दुश्मन भाग गए कह रहे नहीं आग, केस आपका पड़ा हुआ है अल्टीमेटली <coughs> जब खुदा की जन से बातचीत होती है तो खुदा का जन बोलता तो है सेनापति से उसने मजाक उड़ाया अगर खुदा आसमान के झरोके खोल दे तब भी कैसा हो सकता है तो नबी कहता सुन कल शोमरोन में इतने किलो इतने सस्ते रेट पर गेहूं बिकेगा इतना सस्ता कहते ना कौड़ियों के भाव बिकेगा अबे कबूतर की बीट पे कराइए तो कह रहा अनाज मिलेगा कल और इतर सस्ते रेट पे क्या कह, हाँ कह ले वैसा हो ही नहीं सकता तब तो कहते सुन तू देखने तो पाएगा लेकिन उसमें से एक दाना खा नहीं पाएगा और जब वो लूट पाट जब खुलते हैं सब जाते हैं अनाज खुलता है तो राजा ने क्या करा उसी सेनापति को जिसने विश्वास नहीं किया था मजाक उड़ाया था कहा सुन सारे लोगों को बर्तन ले आओ खाली फ्री ले जाओ सब ले जाओ भर भर के गेहूं चावल जितना ले जाना और सुन तू इसका इंचार्ज है देखना है सब ठीक ठाक हो ना ठीक है सर और जो भूखी पगले टूटी अपने बर्तन भांडे लेकर के कहाँ का सेनापति मार लात धक्का सेनापति पड़ा नीचे अब सपने अपने भर रहे गेहूं भर रहे गेहूं भर रहे और सेनापति दब दब के मर गया उसके सामने फ्री का इतना सस्ता गेहूं बिका लेकिन एक दाना खाने नहीं पाया क्यों जब खुदा के नबी ने कहा था कल ऐसा होगा दस द लॉर्ड है उसे मान लेना चाहिए था है ना तो देख रहे थे पॉल कहता दे ग्लोरीफाइड गॉड इन मी मतलब मेरे द्वारा जो काम हुए हैं सामर्थी उनके द्वारा खुदा की महिमा हुई है नो मैटर व्हाट अथॉरिटी पॉल हैड ही केप्ट द पीपल लुकिंग टू गॉड फ्रॉम हुम इज ऑल अथॉरिटी देखा जब पॉल उसने वो लंगड़े को ठीक कर दिया था तो ज़्यूस मंदिर का पुजारी आया और बैल काट करके उनको कुर्बानी चढ़ा के उनकी पूजा करने वाला था नहीं भाई हम कोई देवता देवता नहीं, नहीं है हम भी इंसान है।, तो है उसकी सामर्थ्य ऐसा हुआ है बड़ी मुश्किल से रोक के ऐसा कर पाए थे होना यही चाहिए लेकिन लोगों की क्लर्जी का हल क्या था कि भाई हमें डिवाइन लीडरशिप चाहिए प्लस ह्यूमन हमारा भी तो उसमें कुछ हो अब हमारा कुछ होगा ही नहीं नाम ही नहीं होगा तो फिर हमारे करने से फायदा क्या है सो वी फाइंड ट्रू चर्च व्यूमनिज्म जो सच्ची कलीसिया थी देखिए उसमें भी अब कुछ इंसानी ह्यूमनिज्म अकल और उनके कर्म भी दिखाई देना शुरू हो गए विद निकोलाइटिज्म अब निकोली तो पूरे स्थापित हो ही चुके थे मिनिस्टर्स पास्टर्स वोटेड इन सब होने लगा सरकार बन गई कि किसके बाद कौन बनेगा अगला किसकी आ रही है सक्सेशन चालू हो गया अगला उत्तराधिकारी कौन होगा भाई फिर किसको हम लाइन इलेक्ट करके उसके लिए वोटिंग होना है ये सारे सरकारी कार्यक्रम जो थे चलने लगे इट वॉज ओनली वन स्टेप फॉर द फॉल्स चर्च टू प्रोसीड टू बलामिजम ये काम क्या था बलाम का जो काम है जो बलाम की शिक्षा है उस तरफ ले जाने का एक कदम था इटन क्या है खुदा के कलाम को हटा करके इंसानी शिक्षा सिद्धांतों से चर्च को चलाना और बिलाम का क्या क्या है बिलाम का काम है ऐसे ऐसे नियम कानून शिक्षा सिद्धांतों को बताना कि लोग डर के मारे उसके गुलाम हो जाएं और उसका पालन करने लगे जैसे क्या हुआ था कि बिलाम ने बालाक के आगे एक ठोकर का कारण रखना सिखाया शॉर्टकट में इस तरीके से लाया जा रहा है कि बिलाम ने इसराइलियों की और मुआवियों की एक मीटिंग करा दी एक मीटिंग सिटिंग मुलाकात करा दी बाकी तो रंग अपने आप आ ही जाएगा प्रॉपर्टी का काम में बहुत होता है जब आपको कभी मकान फ्लैट कुछ ख़रीदना हो आप किसी डीलर से बात करो कि तो भाई मुझे लेना है या बेचना है ठीक है कहे ठीक है तो फिर कर परसों आ जाओ परसों मीटिंग करा देते हैं आपकी परसों आ जाओ मीटिंग करा देते शाम को आ जाओ सात साढ़े सात ठीक रहेगा या नाम तो हम तो आठ बजे लौट के आज अच्छा तो नौ बजे तक तो आ सकते हो नौ बजे मीटिंग करा मीटिंग बहुत होती है प्रॉपर्टी के बिजनेस में मीटिंग बहुत होती है दोनों पार्टी को बैठा दिया बेचने वाला ख़रीदने वाला प्लॉट साइज रेट डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री पावर ऑफ अटॉर्नी दुनिया भर के एडवांस इतने दिन का ये होता है बड़ी मीटिंग है होती रहती बड़ी मुश्किल में एक सौदा होता है लेकिन मीटिंगें बहुत होती हैं लेकिन मीटिंग से बात होती है मैरिज का भी ऐसी होता है होता ना समूह विवाह क्रिश्चियन में भी होता है नॉन क्रिश्चियन में भी होता है अखबारों में भी छपता है कि भैया फलानी तारीख को फलाने, फलाने चर्च में Uh, मतलब लड़के भी आ रहे हैं लड़कियां भी आ रहे हैं और देखो भाई मुलाकात करो मीटिंग करो मुलाकात करो बातचीत करो डिटेल्स देखो जिसका जिससे रिश्ता समझ में आ जाए आगे मीटिंग करवा दी बाकी है। अब आप लोग जानो आगे बस ऐसा है वो रजिस्ट्रेशन के लिए वो पाँच सौ एक की रसीद कटवा लेना अब रिश्ता हो चाहे ना हो ये तुम जानो तो मीटिंग में बहुत कुछ हो जाता है इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टू सजेस्ट दैट दे ऑल गेट टूगेदर एंड टॉक थिंग्स ओवर पहली बात तो देखो भाई इकट्ठे होंगे जब तक मिलेंगे नहीं बातचीत नहीं करेंगे बात बनेगी कैसे तो पहली चीज है मुलाकात तो हो जाए यही तो काम करवाया था मुलाकात करवा दी एंड ईट टुगेदर अब जब बैठे तो साथ में कुछ खा पी भी लेंगे आपने वाला झांसा तो सुना ही होगा और हो सकता किसी किसी ने झेला भी हो कॉन्ग्रेचुलेशन uh, मोबाइल uh, पे खबर आती है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज एंड ए ट्रिप टू गोवा फ्री मुबारक हो आपको आपका नाम सेलेक्ट हो गया है फ्री ट्रिप गोवा की है उसमें ये, ये है उसके लिए लेकिन आपको कल शाम साढ़े पांच से आठ के बीच में क्लरिजेज होटल में वहां पर आना है वहां पर मीटिंग होगी है ना वो <laughs> कटाई होगी कई बार भाई आपका दो करोड़ का निकल आया है दो करोड़ का आपका गिफ्ट निकल आया है और बंदा दुबई से लेकर के कैश एयरपोर्ट पहुंच गया है बैठे बैठे दो करोड़ दुबई से यहां आ भी गया है लेकिन उसको आपको डिलीवर करना है तो आपकी आईडी चाहिए फिर वो ऐसे कैश नहीं देगा एक्चुअली आपको अकाउंट में ट्रांसफर करना है <laughs> और फोकट में पैसे लिए घूम रहा आपको बांटने के लिए देखो कितने अच्छे लोग हैं होता ऐसा है जब मीटिंग होती है ना मीटिंग के बाद बहुत कुछ हो जाता है जो आपने सोचा भी नहीं होता है चांदनी चौक में जाइए हर आदमी बुलाता अपनी दुकान में अरे बहन जी देख, तो देख तो लो देख तो लो देख तो लो देख लो बस आप दुकान में एक बार घुस के सामान देख लो मत खरीदने की बात कौन कर रहा है ये तो सिर्फ इसलिए कि नया माल सूरत से अभी आया है बस आप देख लीजिए और एक बार जो देखने चढ़े तो उसके बाद तो फिर कटे ही कटे तो यही काम बिलाम ने करवाया पहले मुलाकात तो कर लो मुलाकात तो कर लो और मुलाकात करने के बाद तो लड़की पसंद आ गई अब पसंद आ गई तो क्या फिर बात बढ़ गई यही होता है। और फिर साथ में एक एक कप चाय भी पी लेंगे ओहो आठ साढ़े आठ बज गए अब ऐसा डिनर ही करके चले जाना एंड ईट टुगेदर एंड गेट थिंग्स आयर आउट अब जो कोई लफड़े झगड़े होंगे हमारे तुम्हारे सब कर लेंगे जब आम सामने बैठ कर कुछ बातचीत तो करी जाए आफ्टर ऑल अंडरस्टैंडिंग ईच अदर गोज़ ए लॉन्ग वे तो चलो बातचीत करते हैं कुछ हल निकालते हैं कुछ समझते हैं कुछ जानने की कोशिश करते हैं अल्टीमेटली थोड़ा बहुत इसमें हो ही जाता है द नेक्स्ट स्टेप वुड बी वर्शिपिंग टुगेदर अरे अब अगली चीज क्या एक्चुअली uh, हम लोग ना फैमिली ऑल्टर लगाते हैं शाम को सात बजे अब ब्रदर काम करो ऑल्टर के लिए तो रुक जाओ अब बताओ कैसे कहे कि मैं जा रहा हूं आप किसी के घर में जाओ और आप कहना अच्छा मैं चलता हूं मैं चलता हूँ वो कहने लगे एक्चुअली uh, भैया हम लोग रोज ना शाम को सात बजे फैमिली ऑल्टर लगाते हैं तो आज बड़ी अच्छी बात है आप तो बात हो प्लीज हमारे साथ बैठिए ऑल्टर में कर पाओगे मना है कि भी है? हम लोग दुआ करें कि मना मना कर पाओगे नहीं कर पाओगे अब वर्शिपिंग टूगेदर हो जाएगी एंड गो एंड ऑफकोर्स लिटिल प्रेशर फ्रॉम द होस्ट यूजअली मेक्स द गेस्ट टू गो ए ल लॉट फर्दर देन दे इंटेंडेड और यदि किसी गेस्ट आपको गैस बना के कहीं पे रोक लिया गया और उन्होंने वर्कशिप चालू करवा दी और कुछ और आपके ऊपर प्रेशर डाला तो आपके लिए फिर वहाँ से पीछा छुड़ाना बड़ा भारी पड़ जाता है इसको अगर आपको देखना हो तो बड़ा अच्छा लगेगा जब कोई विदेशी हमारे हिंदुस्तान आते हैं और जब उनका एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे जब स्वागत होता है वो गेस्ट है गेस्ट है या जब टीम कहीं जाती है या बारात कहीं जाती है जब तो ऐसा होता है बारातियों का स्वागत तो ऐसे ही होता है फिर उसका छोले भटूले भी खिलाते हैं फिर उसके बाद ये भी होता है फिर वो भी अब आप चूंकि गेस्ट हैं अब भाई साहब आप मना नहीं कर सकते आपको वो सब करना पड़ेगा अब इनके यहाँ होता है क्या करें यार इनके का दस्तूर ऐसा है मराठियों में ऐसा ही होता है मद्रासियों में ऐसा ही होता है कश्मीरियों में ऐसा ही होता अब उनके यहां होता अब हम थोड़ी हैं वो अब हम जा रहे हैं बारात में अभी मणिपुर तो मालूम पड़ा वहां के कस्टम बड़े अजीब अजीब से हैं तो हम तैयारी से जा रहे हैं <laughs> देखेंगे मतलब के खैर क्रिश्चियन क्रिश्चन ही क्रिश्चियन है लेकिन वहां के जो कस्टम है जो हैं तो हैं है ही हैं अब गेस्ट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि गेस्ट जो है वो कभी भी होस्ट से अकड़ता नहीं है ज्यादा और होस्ट जो होता है ना मेजबान वो इस तरीके से आपको सम्मान के साथ वो काम करता है कि प्लीज आप यहां बैठिए ना आप ये भी नहीं कह सकते मैं तो नहीं बैठता क्यों क्यों अच्छा <laughs> कर सकते वो कहते कि लि जरा चावल भी खाओ पहले खीर चखो अब क्या करें तुम्हारे यहां का दस्तूर है तो होता यह है कि जब गेस्ट के साथ कुछ सेवाएं करी जाती हैं और कुछ होस्ट ज्यादा ही प्यार देखाए तो गेस्ट मना नहीं कर पाता देखा नहीं जब आते हैं आएंगे विदेशी आते हैं टीका लगा टीका लग रहा है पट्टा डाला जा रहा है आरती उतारी जा रही है साथ में नारियल पकड़ अब उन्हें चाहे तुम नारियल पकड़ा दो चाहे गुलाब पकड़ा दो चाहे कमल पकड़ा दो और कुछ भी ये कर दो प्लीज कम प्लीज वो करेंगे क्यों इंडियन ट्रेडिशन वेलकम का है तो ठीक है जो कुछ भी है तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि जब बेलाम ने कहा कि चलो भाई जाओ मुलाकात करो बैठो बातचीत करो तो गेस्ट थे ये लोग सारे तो उन्होंने कहा गेस्ट बातचीत करी बातचीत करने के बाद वही चाय पियेंगे चाय अब डिनर करेंगे अरे डिनर करने से पहले थोड़ी वर्शिप करेंगे अब वर्शिप कैसे करी जाएगी उसके बारे में तौर तरीके बताए जाएंगे जब ये प्रेशर है तो जो आप सोच के भी नहीं आए थे कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा वो भी आपको करना पड़ जाता है नाउ दैट डिडेंट ओनली हैपन बैक देयर इन टू गॉड्स चर्च ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट बट इट हैपन टू द चर्च ऑफ द न्यू टेस्टिमेंट पुराने में नहीं नए नियम में भी ऐसा ही होता है सो कॉन्स्टेंट टाइम ने इन्वाइट किया नॉमिनल क्रिश्चियन को भी ट्रू क्रिश्चियन को भी फॉल्स को भी और ये पूजा पाठ वालों के भी सितारों वाले चांद वाले सबको बुला लिया और बैठा करके सारे काम चालू कर दिए भाई करना पड़ेगा तीन सौ पच्चीस एडी में और अल्टीमेटली हुआ क्या जिना भी एक बात बता था जो ट्रू क्रिश्चियंस थे उनको वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था जब मालूम है इस मीटिंग का पर्पज क्या है कि हम सब मिल करके एक समझौते पर आकर चलेंगे तो सीधी सी बात ये करो जैसे खुदा का कलाम कहता है इसके अनुसार चलने के लिए आ रहे हो तो हम आते हैं नहीं हम लोग कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे जो तो सबको सूट करती हो तो भाई साहब आपकी मीटिंग आपको मुबारक है हमें तो केवल वही सूट करता है जो बाइबल कहती है इसके अलावा नहीं लोगों की समस्याएं होती हैं बैकग्राउंड्स होती हैं कुछ और फैक्टर्स होते हैं ब्रदर हर देश के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर करके हम सब मिलके चलेंगे यही तो डब्ल्यू में हो रहा है यही तो Ecumenical में हो रहा है लेकिन थर्ड सेंचुरी में ऐसा काम हो गया था द रियल बिलीवर ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर तो हम सब देख चुके हैं अब एक खास कोर्ट में पढ़ना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा नोटिस अब ऑल इन सब के ऊपर दैट इट इज द डेलिबरेट मैनवर ऑफ ए करप्ट कलर्जी इन सब के ऊपर जो करप्ट कलर्जी अर्थात पुरोहित वर्ग है पदाधिकारी लोग हैं उनकी एक कोशिश होती है डेलिबरेट जान बूझ के जान बुझे उनकी एक कोशिश रहा करती है टू बाइंड द पीपल टू देम की लोगों को बांध करके रखें अपने पास क्या समझ में जो करप्ट कलर्जी हैं, जो बिगड़े हुए कलर्जी हैं, उनका एक कोशिश होती है जबरदस्त किसी भी प्रकार से लोगों को डरा के धमका के ऐसा बांध दो से भाग, निकलने ना पाए टू करप्ट कलर्जी टू बाइंड टू देम बाय लीडिंग द पीपल डेलिबरेटली इन टू सिन ऑफ अनबिलीफ और अपने द्वारा बनाए हुए नियम कानून जो कि अविश्वास पैदा करते हैं उसमें घसीट करके ले आओ निकोलाइटन डॉक्टर वॉज द करप्शन ऑफ द क्लर्जी निकोलाइटन डॉक्टर क्या है जो क्लर्जी है मेंबर नहीं मेंबर तो बाद की बात अपने आप मुर्गी पकड़ लो बच्चे अपने आप आ जाएंगे पर बच्चों को मत पकड़ो भागते रहेंगे फिसलते रहेंगे क्लर्जी को जो पुरोहित हैं जो पास्टर हैं जो डीकन है जो बिशप है इनको पहले पकड़ लो इनको पहले करप्ट करो जो करप्शन ऑफ द क्लर्जी एज दे सॉट पोलिटिकल पावर अमंग धमस क्योंकि इनको पदवियाँ चाहिए रहती हैं मुझे यहाँ का डेलीगेट बना दो मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बना दो मुझे यहाँ का चेयरमैन बना दो इस कमेटी का मुझे लीडर बना दो मुझे यहाँ का बिशप बना दो इन्हें पदवियां चाहिए रहती हैं इसलिए ये लोग इस झांसे में बहुत आराम से आते हैं एज दॉलिटिकल पावर अमंग धमसेल्थ वायल बालामिज्म इज द सब्जेक्शन ऑफ द पीपल टू द सिस्टम ऑफ क्रीड एंड वर्शिप इन ऑर्डर टू होल्ड दम और बलाम की शिक्षा क्या है लोगों को जो क्रीड्स एंड डॉक्टर आपने बनाई हैं, उनकी वर्शिप करवा के उस सिस्टम में बांध करके चलाओ ताकि इससे निकलने ना पाए जब कॉन्स्टेंटाइन ने सारे धर्म के लोगों को बुलाया कि चलो हम एक कॉमन धर्म बनाएंगे तो जो सूर्य के मानने वाले थे जो चंद्रमा की पूजा पाठ करने वाले थे अपोलो वाले वीनस वाले फलाने वाले धमाके वाले इन लोगों ने कहा कि हमको जो अपने सूर्य देवता का जन्मदिन मनाने का जो फंक्शन हैं इतने अच्छे लगते हैं कि हम उन्हें नहीं छोड़ सकते यरिमा चालीस में क्या लिखा है पत्रोस में रहने वाली इसराइली स्त्रियों ने कहा हे hey यमिया नबी यद्यपि तूने हमसे खुदा के बिहा पे बात करी है तब भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे क्यों क्योंकि जो मन्नतें हम मान चुके हैं जो कसमें हम खा चुके हैं जो तैयारी हम कर चुके हैं उसे हमारे घर वाले हस्बैंड सब जानते हैं राजा प्रजा सब जानते हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी अट्रैक्टिव हैं, इतनी बढ़िया हैं कि हम उन्हें तो करेंगे ही करेंगे चाहे तू बुरा मान चाहे भला मान तो जो अश्तरेत के पुजारी थे उन्होंने कहा हम चंद्रमा का जो त्यौहार मनाते हैं जिसे ईस्टर त्यौहार कहा जाता है ईस्टर के त्यौहार का जो सेलिब्रेशन है उसमें जो ईस्टर बंद है उसमें जो कलर्ड एग्स हैं उसमें जो टर्की है इसको तो भाई हम नहीं छोड़ सकते सूर्य देवता वाले बोले सारी देश का देश बोला हम केक कैसे सूर्य देवता का सन गॉड का राउंड केक भूल जाएं हम कैसे वो रात वाला पेड़ का सजाना भूल जाएं हम रात में लाइटिंग जलाना कैसे भूल जाएं हम वो वाइन पीना पिलाना हम कैसे भूल जाएं बिना इसके तो कोई हमारा सेलिब्रेशन होता नहीं हम क्रिश्चियन बन जाएंगे लेकिन हमारे धर्म के इन त्योहारों को एडजस्ट करो हम क्रिश्चियन बन जाएंगे लेकिन हमारे जो अपोलो देवता इसको एडजस्ट करो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या करें यार और एक काम करते हैं कस्टम वही रहेगा जो तुम सूर्य और चंद्रमा देवा देवते के साथ करते चले जा रहे हो अगर हम उसका नाम सूर्य से हटा के जीसस कर दें तो हाँ चल जाएगा और अगर हम इसको ईस्टर देवी हटा करके ईस्टर मसीह का पुनरुत्थान दिवस डिक्लेयर कर दें तो तारीख का तो पता वैसे भी नहीं है क्या तो चल जाएगा लेकिन वो मुर्गा जरूर होना चाहिए एग्स होना चाहिए बंस होना चाहिए वो फास्टिंग होना चाहिए क्या हाँ ये सब चलता रहेगा इस चलेगा और हमारे सात दिन का वो फेस्टिवल होना चाहिए वो जो सूर्य देवता का है लास्ट डे पर सेलिब्रेशन दारूबाजी का होना चाहिए और स्पोर्ट्स होना चाहिए नए ड्रेसेस होना चाहिए क्या ये सब चलेगा ठीक है यार सूर्य देवता का ना बर्थडे जीसस का बना देते हैं और ना उसको वीनस का करा का का उसे का कर देते चलेगा इस तरीके से बहुत सारे रसम रिवाज संस्कार जो पराय देवी देवताओं के थे इस बैठक में क्रिश्चियन लोगों के साथ घुसेड़ दिए गए और वो आज तक जड़ों में ऐसे बसे हुए हैं कि क्रिश्चियन आदमी उधार ले लेके मर जाएगा लेकिन उन संस्कारों को मानना ही वो मसीहत समझता है सारा क्रिसमस वीक क्या मंथ निकल जाए दुआ करेगा नहीं एक दिन लेकिन भाई साहब बिना केक कुकी, कपड़ा लता भाजी इसके बगैर नहीं रह सकता चलिए सो so, बालाम जो है उन सारे कामों को करवाता है नाउ वॉज दिस केयरफुली क्या चीज थी जिसे लोगों को बांध रखा और बर्बाद किया इट वॉज द क्रीड्स एंड डॉगमान जो कलीसियाई नियम कानून थे उसमें जो क्रीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे उन्होंने कलीसिया को बर्बाद करके तबाह कर दिया वचन को हटा दिया इट इज कॉल्ड डिनोमिनेशन और इसी को डिनोमिनेशन कहने लगे निकोलाइटनिज्म इज ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमनाइजिंग द लीडरशिप ऑफ चर्च एंड देयर बाय डिपोजिंग द स्पिरिट ह्यूमनाइज़ कर दो इंसानी अकल से चलाओ चर्च को पवित्र आत्मा को आउट कर दो संस्था बना दो पदवी रख दो पवित्र आत्मा अपने आप चला जाएगा बालामिज इज टेक्स द चर्च मैनुअल इंस्टेट ऑफ द बाइबल बाइबल के बजाय चर्च मैनुअल चर्च के नियम कानून बना दो इसको बिलाम की शिक्षा कहते हैं hmm? इसके बाद अगली चीज एक और बचती है ह्यूमन रीजनिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ द वर्ड ध्यान से सुनिएगा इंसानी तर्क वितर्क जो थे रीजनिंग जो थी ये वचन का स्थान लेने लगी और आज भी ऐसा होता है यहां तक कि जब प्रचारकों से बात होती है तो वो भी कहते ऐसा कैसे पॉसिबल है जैसे कहो जो स्प्रिंकलिंग वाले बैप्टिज्म वाले ऐसे पादरियों से बातचीत करो कि भाई आप जो छीट का बपतिस्मा देते हैं तो गलत है बैप्टिज्म है वर्ड के हिसाब से भी देख लो आप ग्रीक वर्ड है आप लोग पानी में डूब का बपतिस्मा क्यों नहीं देते हो बाइबल की आज्ञा तो यही नियम यही है एग्जाम्पल भी यही है अच्छा एक बात बताइए बुद्धिमान शास्त्री बोल रहे हैं अब मान लीजिए सहारा के रेगिस्तान में कोई विश्वास कर ले तो आप उसको पानी से लाके बपतिस्मा देंगे जहां पर रेगिस्तान है एक बूंद पानी पीने को था डुबाएंगे कौन से पानी में मतलब छीटा दे दो दूसरा मान लीजिए टोंड्रा में साइबेरिया में जहां बर्फ ही बर्फ जमी है दो दो सौ फुट की जहां पे पानी की एक बूंद नहीं बर्फ को गला के तो पानी पीते हैं वहां पर अगर बपतिस्मा देना डुबा करके इतना पानी कहाँ से लाएंगे और डुबा तो ठंड से निमोनिया से मर जाएगा आदमी उसे आप क्या बपतिस्मा कैसे देंगे अरे ऐसे हालात में जहां पानी अवेलेबल नहीं है कुछ जरूरी थोड़ी डुबाना है छीटा लगा दो रेगिस्तान में कहा से दोगे बप्तिस हमें क्या पता आप खुदा अपने आप इंतजाम करेगा बर्फ में कहा से दोगे गप्तिस पानी नहीं है खुदा करेगा इंतजाम अरे जब इब्राहिम गया था कौन सा मेढ़ा लेके गया था कुर्बानी चढ़ाने के लिए उभुरिया पहाड़ पर तीन दिन का सफर करके पहाड़ पे चला गया बच्चा पूछता है कि पापा हमारे पास आग भी है छुरी भी है लकड़ी सब कुछ है लेकिन कुर्बानी का मेमना कहाँ है इब्राहिम का जब बताओ खुदा अपने आप इंतजाम करेगा और जब कुर्बानी चढ़ने का मौका है खुदा ने हम मेमना पैदा किया कि नहीं किया अभी तक तो था नहीं दो घंटे तक जब से लकड़ी लगा दे पत्थर जमा दे वेदी बना दे कुछ नहीं था इब्राहिम के आसपास लेकिन जब वो निशाक को लिटा के मारने लगा आवाज आती इब्राहिम बस कर रहने दे मैं तेरे प्यार को समझ गया पलट के देखा पीछे ये कहाँ से आ गया भेड़ ये जवान मेढ़ा कहाँ से आ गया अब तक तो था नहीं खुदा जब मोरिया पहाड़ पे रेगिस्तान में पैदा कर सकता जंगलों के बीच में मेढ़ा तो तुम्हारे रेगिस्तान में क्या इतना पानी पैदा नहीं कर सकता तुम्हारा बप्टिस्वा दे सको क्या ठंड में नहीं कर सकता जाड़े में नहीं कर सकता हर जगह खुदा कर सकता है लेकिन ह्यूमन रीजनिंग क्या करेगी मान लो ऐसा हो तो मान लो ऐसा हो तो मान लो ऐसा हो तो मतलब ये खुदा का कलाम टाल दो और अपनी अकल से छींटा लगा दो ये है बात इस प्रकार से हर डिनोमिनेशन ने अपने अपने संस्कारों में पचास पचास आइटम ऐसे जोड़ रखे हैं कि खुदा की आज्ञा को बिल्कुल टाल मार रखी है प्रभु भोज रात में होना चाहिए सूरज डूबने के बाद वो लॉर्ड सफर है लॉर्ड्स लंच लॉर्ड्स ब्रेकफास्ट नहीं है लेकिन फिर वो ह्यूमन रीजनिंग अब मान लो कोई बहुत दूर से आता मान लो इंदिरापुरम से आते हैं गाजियाबाद से आते हैं गाजिया गुड़गांव के पीछे से आते हैं फरीदाबाद से आते हैं भैया रात में जब नौ बजे चर्च खत्म होगा तो घर कैसे जाएंगे दिन में कर लो तो जो निकोलाइट होंगे वो कहेंगे हां भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही समझदारी की बात करी संजय सूर्यवंशी कैसे जाएंगे मान लो पंचर हो गए बीच में तो वहां तो कोई पंचर जोड़ने वाला भी नहीं है हैं ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंचेंगे इसलिए काम करो दिन में कर लो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लगा के खुदा की आज्ञा को टाल दिया इसी को निकोलाइट कहते हैं और कुछ समय के बाद कलीसिया अकल से चल रही है कलीसिया खुदा के कलाम से नहीं चल रही है। ये समय गुजरा और थोड़े समय के बाद इट इज नथिंग बट ह्यूमन रीजनिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ द वर्ड एंड एनी पर्सन हु ऑर्गेनाइज डिनोमिनेशन इज राइट इन द मिड्स ऑफ एन एंटी सिस्टम देखिए क्या कह रहा है अगर कोई व्यक्ति इंसानों के द्वारा चलाए गए ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है तो वो एंटी क्राइस्ट अर्थात सैतान के सिस्टम में है ऐसे ऐसे कोड है ये ये सब दस से द लॉर्ड हैं। फिर पढ़ता हूं एनी पर्सन कोई भी हो चाहे अनजान हो चाहे जान पहचान वाला हो हु इज इन ऑर्गेनाइज्ड डेनोमिनेशन जो ऐसे डिनोमिनेशन में है जो ऑर्गेनाइज्ड है ऑर्गेनाइजेशन डिनोमिनेशन एक ही चीज को कहते हैं इज राइट इन द मिड्स ऑफ एन एंटी क्राइस्ट सिस्टम के विरोधी के सिस्टम में बंधा हुआ है Now, इसके बाद थुआ थीरा का युग आता है हजार साल तक अंधकार का पीरियड रहा ये सब देख रहे हैं अब काला तो, चौथा वाला थुआ, थुआ थीरा का युग अंधकार में चलते रहे जब किसी चर्च में निकोलाइटन का काम चल रहा हो बिलाम वर्शिप करवा के उस सब्जेक्शन में ला रहा हो क्रीड्स में और स्टेट की उनके पास पावर हो पॉलिटिकल पावर हो फाइनेंशियल पावर हो वैन एन यूर रिलीजियस पीपल एम्ब्रेस बोथ निकोलाइट एंड बिज एंड हैव द पॉलिटिकल फाइनेंशियल एंड फिजिकल पावर टू बैक इट देयर और उनके पास पैसा भी हो पॉलिटिक्स भी हो फिजिकल पावर में मान शक्ति भी हो देर इज ओनली वन डायरेक्शन दे कैन गो तो केवल एक दिशा बचती है जिसमें वो जा सकते हैं एंड देट डायरेक्शन इज राइट इन टू द जजबेल डॉक्टर वो केवल एक दिशा बचती है अब आपको इज़ाबेल की शिक्षा में जाना पड़ेगा इज़ाबेल की शिक्षा क्या है थी कौन एतबाल की बेटी थी एतबाल कौन था एक कातिल था जिसने अपने पहले फेले इस राजा का मर्डर किया था उसकी लड़की थी ये अशेरा और बाल की पुजारिन थी और आब राजा ने इसे शादी करी थी पॉलिटिकल रीजन से लेकिन उसने क्या करा शी फॉर्मुलेटेड टीचिंग एंड मेड हर प्रिस्ट टीच इट उसने क्या करा अपनी शिक्षा को जो बिलाम वाली थी जो निकोलाइटन वाली थी ईजाबेल ने स्पेशल लोग बना उनको ट्रेनिंग दी यदि सेमिनरी जो चालू हुई है वहां से उनको ट्रेनिंग दी उनको पुजारी ठहराया अपॉइंट करा और कहा सुनो आप लोगों को मैंने ट्रेनिंग दे दी सारी अब आपने सारे इसराइल में जाकर के लोगों को यही शिक्षा दीक्षा देना है और उनको यही नियम कानून मानने के लिए सिखा के मजबूर करना है शी फॉर्मुलेटेड टीचिंग एंड मेड हर प्रीस टीच इट एंड दे इन टर्न मेड द पीपल एक्सेप्टेड और लोगों ने फिर उस शिक्षा को स्वीकार करना शुरू कर दिया इज़ाबेल क्या है शिक्षा बनाओ कौन सी वाली जो निकोला ने बताए हैं जो बेलाम ने बनाए हैं अब उसका तीन चार पाँच साल का कोर्स करो कैसे सिखाओगे सिखाने के स्टाइल बनाओ कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे वो चलाना सिखाओ और फिर लोगों को मेंबर बना बना करके उन सिद्धांतों शिक्षाओं का गुलाम बना दो बना दिया आज हर ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि नहीं है जितने डिनोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है, है वहाँ पर एक नियम कानून की पुस्तक है पास्टर वहां पर आता है ट्रेनिंग सेमिनरी करके आता है उसको मालूम है चर्च कैसे चलाया जाता है और जो मेंबर हैं उनको बोनाफाइड मेंबर उन नियमों का बना देता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं अगर आप मेथोडिस्ट ज्वाइन करते हैं तो आप वो सिस्टम नहीं पालन करोगे जो बैप्टिस्ट करता है अगर आप पेंटिकॉस्टल के बन गए तो आप वो नियम पालन कर ही नहीं सकते जो सीएनआई में चलते हैं क्यों क्योंकि सबकी सेमिनरी अलग अलग है और सबकी शिक्षाएं अलग अलग है देव दर्ड ऑफ गॉड एंटायरली एक्सेप्टॉड हेड केवल नाम और टाइटल के अलावा उन्होंने मसीहत को छोड़ दिया और वर्ड ऑफ गॉड साइड में किया और इंसानों की तालीम पर आकर के लग गए और कहते क्या हैं कि हमें खुदा से प्रकाशन मिला है और ऐसे बोलते हैं जैसे खुदा के बंदे हैं जैसे खुदा ने सिखाया है जबकि वो प्रीस्ट जो सिखाए हुए किसके हैं इजाबेल के सिखाए हुए हैं टू डिसेंट वॉज डेथ और एक्स कम्युनिकेशन एक्स कम्युनिकेशन विच माइट बी वर्स देन डेथ अगर आपने उनकी बातों को नहीं माना आपको थुआ थीरा मालूम है थुआ थीरा के युग में वो जो बैंजनी वस्त्र का कपड़ों की रंगाई का बर्तनों का कोई गिल्ड का बिजनेस कर नहीं सकता था जब तक कि उस पूजा पाठ में अपोलो के साथ वो शामिल ना मेंबर ना बने उसे कोई धंधा नहीं मिलेगा तब भी किस प्रकार से वहां डोरकस के काम कर गई अपना है ना ऐसे हालात में लिडिया कैसे रह गई ऐसे हालात में जबकि मजबूर कर दिया जाता है चर्च को कि आपका पालन करना पड़ेगा अगर नहीं मालूम करोगे टू डिसेंट वॉज डेथ और एक्स कम्युनिकेशन क्यों भाई यूसुफ डेनियल अगर हमारी नहीं मानी तो मुर्दा नहीं गाड़ेंगे ले एग्जाम्पल पिछले हफ्ते का हमारी नहीं मानी तो शादी नहीं पढ़ेंगे हमारी नहीं मानी तो तुम्हारा इलाज नहीं करवाएंगे अस्पताल में नहीं माने मेंबरशिप ली तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा अपने सेंट फलाने स्कूल में तुम्हें मानना पड़ेगा और नहीं तो पुराने जमाने तो ये भी था कि तलवार से भी काट देते थे जान से मार देते थे और नहीं तो हुक्का पानी बंद बाजार हाट बंद स्कूल बंद ट्रांसपोर्ट बंद आप बस में नहीं बैठ सकते आप रेल में नहीं बैठ सकते आप सवारी नहीं कर सकते रिक्शा नहीं पकड़ सकते उन दुकानों से यानी ऐसा दलित का भी दलित बना देते थे कि उससे तो मर जाना ही ज्यादा बेहतर है ये स्थिति थी और आज भी ऐसा ही कर रखा है बट ट्रू वाइन स्ट्रगल एंड सरवाइव लेकिन फिर भी जो सच्ची दाखिलाइव कर ही गई और इसी चौथे युग में हुआ क्या चाहे चाहे वो हो, बेलाम की शिक्षा हो चाहे इज़ाबेल की हो, ये तीन अलग आत्माएं नहीं है बल्कि एक ही एंटी क्राइस्ट आत्मा के अलग अलग स्टेजेस और अलग अलग रूप हैं, जिनमें वो काम करती है और होता क्या है इट रिसीव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम इट्स ओन फॉल्स प्रोफेसिज एंड नॉट द वर्ड ऑफ गॉड उनकी अपनी जो झूठी नबूतें हैं अर्थात झूठी जो शिक्षाएं हैं और जो नियम कानून हैं से उनको स्ट्रेंथ मिलती है अरे देखो बाइबल की बात को डिनाई कर सकते हैं इनकार कर सकते हैं लेकिन सोसाइटी के रूल को डिनाई नहीं कर सकते फिर आ गया पांचवा युग मार्टिन लूथर का जिसमें खुदा ने फिर वचन का प्रकाशन दिया रोशनी दी और लोग निकल करके आए खूब निकल करके आए यहाँ तक कि ढेर सारे प्रीचर प्रचारक इंटेलिजेंट प्रीचर आ गए और एक बुराई ये हो गई इन सब ने भी ये गलती कर दी दे अलाउड द स्टेट टू सब्सिडाइज देम एक इनसे गलती हुई सभी से जो जो अलग चर्च बनता गया चाहे लूथरन था चाहे जो था, का था चाहे कालवन का था चाहे स्मिथ का था किसी का भी था इन सब ने जो उस जमाने की जो सरकार गवर्नमेंट राजा हुआ करते थे उनसे मदद लेना नहीं छोड़ा ये बहुत बड़ी बुराई हो गई इन सभी डिनोम चर्चेस ने सरकार से या राजा जो हुआ करता था उससे मदद लेना नहीं छोड़ा कि ठीक है गवर्नमेंट दे रही है देने दो कोई बात नहीं सरकार हेल्प कर रही करने दो ठीक है लेकिन आपको मालूम है जब कोई इंसान कोई ज्यादा देने लगता तो उसका एहसान बिना कहे मानना पड़ता है जब आपको कोई चीज मिल जाए तो आप कहेंगे अरे यार अगले ने इतना हमारे साथ किया यार अब उसकी दिल की तमन्ना है कम से कम यार कितना बुरा लगेगा कि मैंने इनके लिए इतना किया इतना किया एक आज एक छोटी सी बात थी मेरी दिल की इच्छा थी काच की ऐसा कर दें इन्होंने टका सा जवाब दे दिया जब शादी होती है और ससुराल में जाते हैं अब बाइबल की बातें ऐसे समझाना पड़ती हैं जब ससुराल में जाते हैं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि अरे दामाद आए हैं तो कुछ ना कुछ दे देते हैं दामाद आया पैंट कमीज का कपड़ा पकड़ा दिया एक दो नोट पकड़ा दिए कभी कोई चीज़ अरे ना नहीं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं नहीं अरे नहीं बेटा एक्चुअली हम लोग गए थे ना वो ट्रेड फेयर लगा हुआ था वहाँ से लाए थे हमें ख्याल आया कि तुम लोग अगले हफ्ते आने वाले हो तो वहीं बिक नहीं थी तो हम ये टाई ले आए थे हमें तुम्हें शौक बहुत है टाई का चलो आज तो टाई पकड़ाई अगली बार कुछ और पकड़ाया तीसरी बार कुछ और पकड़ाया पकड़ा पकड़ा के दामाद को ऐसा बना दिया कि अब ये दामाद मना नहीं कर सकता सस ससुर की किसी बात को अगली बार मान लो सास ने या ससुर ने कहा कि बेटा हम चाहते थे ऐसा ऐसा है कि मतलब तुम्हारी थोड़ी हमें हेल्प चाहिए इस काम को ऐसे ऐसे करना है अब भाई साहब इतनी टाइयां ले रखी हैं इतने गांधी बाबा ले रखे हैं इतने मीट खा रखे हैं जने क्या क्या कर करा के उस दामाद पे ऐसा एहसान ऐसा चढ़ा रखा है कि कुछ समय के बाद ससुराल वाले हक समझते हैं कि इन्हें करना पड़ेगा क्यों ये अनस्पोकन लैंग्वेज है बोली नहीं जाती समझी जाती है सास ससुर को इतना कॉन्फिडेंस है कैसे नहीं करेगा हमने इसके लिए इतना किया है भाई एक फ्लैट लेके दे दिया किस फ्लैट में रहना तुम दोनों आराम से लेके तो दे दिया लेकिन दामाद अब यह सोचता है कि यार मेरी ससुराल कितनी अच्छी है कि इन्होंने लड़की तो दीदी साथ में एक फ्लैट भी दे दिया अब मैं अगर मना करूं इनके इस काम को तो राहुल कैसा लगेगा है? अब ये है कि भाई साहब दामाद कभी भी ना नहीं करेगा है? तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं नहीं एक चीज तो होती नॉर्मल कि हाँ भाई बच्चे हैं यार आए हैं लेना देना करते हैं वो तो मतलब एक गुड जेस्टर अच्छी बात है कुछ लोग जानबूझ के करती हैं औरतों को देखना ऐसा बहुत करती ये औरतें कुछ ऐसे ऐसे स्टाइल से काम करती हैं ताकि वो जाहिर हो जाए मतलब दवाद पे बेटा हम्म तो धमका के रखते हैं है <laughs> ना तो हुआ क्या कि जब सरकार ने मान लीजिए आपको हर महीने पैसे देना चालू कर दिया चर्च को सुविधाएं देना चालू कर दिया तो अब चर्च की कैसे हिम्मत पड़ेगी सरकार की किसी बात को मना करने की मान ली सरकार ने आपको प्लॉट दिया है पैसा भी दिया कुछ ये दिया वो दिया लाइसेंस, कई चीज़ें दी फिर सरकार ने कहा सुनिए हम चाहते हैं कि जितने क्रिश्चियन आपके मेंबर हैं ना चर्च वाले एक हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का उसमें आप सब लोग हिस्सा लें अब है वो गड़बड़ तो कह रहा है यार कैसे कहूँ कैसे कहूँ ना देखो भाई मैं एक ऐसा प्रपोजल आया है गवर्नमेंट की तरफ से जिसने हमको लैंड दी है जिसने कंस्ट्रक्शन के लिए इतने लाख रुपए दिए हैं जिन्होंने हमको ये लाइसेंस दिया है उनका एक एक प्रोग्राम ऐसा ऐसा आप लोगों की मर्जी है वो चाहते कि आप लोग उसमें ज़रूर से जाए और कुछ नहीं पाँच पाँच रुपए की एक रसीद कटेगी उसमें थोड़ी एंट्री हो जाएगी कि इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी सहमति दी है क्रिश्चियन लोगों ने तो मैं अनाउंस कर रहा हूं आप लोगों की मर्जी फलाने तारीख को इतने बजे और जो जाए तो मैं कहूंगा कि कम से कम छह बजे जरूर पहुंचे प्रोग्राम सात बजे से आप सोना भाई साहब ने कहा चलो चलेंगे लेकिन वो प्रोग्राम गलत है काम गलत है लेकिन चूंकि एहसान इतना था गवर्नमेंट का कि भैया क्या करें मानना पड़ेगा तो मार्टिन लूथर के जमाने में हुआ जितने भी चर्चेस बने खुले सब ठीक थे बहुत बढ़िया थे लेकिन चूंकि उन लोगों ने गवर्नमेंट से मदद ली सब्सिडी ली और पदवी पोस्ट भी चलती रही तो उनको आखिरकार झुकना पड़ा और गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार उनको भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ी अब देखिए जैसे एक दिन हमारी बात हो रही थी अरे सर हम चाहते हैं कि आपको आप दिल्ली में बहुत वेस्ट लैंड है इतना बढ़िया आपका चर्च है आप लोग किराए पे चलाते हो करते हो एक अपना क्यों नहीं बना लेते हमने कहा भाई साहब इतना पैसे हैं कहाँ अरे वो सब इंतजाम हम करवा देंगे हम कहाँ से करवा दोगे तुम अरे अपना तो सरकार अपनी है ऐसा प्लॉट भी देख दाख लो पटवारी को पैसे देकर बता देता है जितनी वेस्ट लैंड दिल्ली में है एयरमार्क कर दो जो आपको सूट करती हो साउथ दिल्ली में ना उतने उसका प्लॉट 400-600 गज का करीब दिलवा देंगे इतने में तो काम चला ना इतना तो बहुत काम जाएगा। हो जाएगा छः गज में बढ़िया हो जाएगा कह ले वो छः सौ गज का आठ गज का प्लॉट आपको दिलवा देंगे कुछ हेल्प भी करवा देंगे गवर्नमेंट की तरफ से फंड है वेलफेयर का इसका उसका उसको हमारे दिलवा देंगे बाकी मिलजुल करके करा लेना तो ना करवा दो तो उसके लिए मतलब वो देंगे ना तो कोई संस्था का नाम क्या समझे भाई आपको तो देंगे नहीं आपका जो चर्च अरे आपका चर्च कोई नाम तो होगा ना हमने कहा गोशन चर्च है रजिस्टर्ड तो है ही ना मैं ना वो नहीं है ओहो करा लू ना अपने तो बंदे हैं सब करवा देंगे हम ना तो बंदे तो हमारे भी हैं हमें सब मालूम है बस आप रजिस्टर्ड करा लो अपना चर्च रजिस्ट्रेशन होते साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया वो तो आपका गोशेन चर्च रजिस्टर्ड हो जाएगा उस चर्च को हम जमीन दिलवा देंगे वो बंदे अपने हैं मंत्री यंत्री जितने सब अपने हैं उस फंड को भी हम उस चर्च के नाम पे दिलवाएंगे क्योंकि किसी एक तो नहीं दे सकते हैं तो आपको जमीन मिल जाएगी पैसा मिल जाएगा चर्च अपना खड़ो करो वर्शिप करो जिस सरकार ने फंड दिया आप आजकल एक खबर सुनते होंगे कि स्कूलों पे ऑर्डर आ रहे हैं कि गरीब बच्चों को फ्री फीस फुल फीस माफ करो डाउन इतनी सीट आपको फ्री रखना पड़ेगी मैं अच्छे से समझता इस बात को क्यों मैंने स्कूल के ये फाइलें खूब निकाल रखी हैं। तो एक क्लॉज होती है जब भी किसी स्कूल को हॉस्पिटल को सरकार जमीन देती है तो वो इस कंडीशंस पे देती है कि आप गरीबों की शिक्षा का मुफ्त में इंतजाम करेंगे आप गरीबों का इलाज बिना पैसा लिए करेंगे लेकिन होता क्या फलाना पब्लिक स्कूल फलाना हॉस्पिटल कमाई चलने दो तो जब लोग चिल्लाते हैं परेशान भी होती है तो गवर्नमेंट सुनिए आपको हमने इतने एकड़ जमीन इसलिए दी थी कि इसमें कम से कम पांच दस परसेंट गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे बिना फीस के आप सबसे ले रहे हो इतने हजार हजार रुपए पर मंथ फीस गरीब बच्चों लिस्ट लाओ तो जितने वही थे ना चपरासी माली ड्राइवर आपको अब अबे सानों का एडमिशन यही कर दो अपने स्कूल में कुछ तो दिखाओ क्यों कहीं समझ में आई और यही तो चिल्ला रहा नबी बार बार कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन डिनोमिनेशन ये सब क्या है नहीं कह रहा इफ यू आर एनी पर्सन इन डिनोमिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन इज राइट इन द मिड्स ऑफ एंटी सिस्टम यही गलती हुई तो लूथरन ने काम किया वाइन नाउ टर्न बैक टू बिकम ए डॉटर ऑफ द हर्लेट वो इस की, इस की बेटी बन गए और जिनको आज प्रोटेस्टेंट कहा जाता है फिर आगे एक अगला युग आता है फिलोडेल्फिया का छठा युग मिशनरी एज जितना ज्यादा मसीहत का प्रसार प्रचार फैलाव जिस स्पीड से हुआ है इतना स्पीड से इतिहास में कभी नहीं हुआ फिलाडेल्फिया के 200 साल में मिशनरी वर्क सारी दुनिया में इतना भयंकर हुआ है कि देखते देखते जंगलों में टापुओं में गांव में कस्बों में शहरों में हर जगह मसीहत फैल गई फैल गई फैल गई फैल गई इतनी ज्यादा मसीहत का फैलाव जितना फिलाडेल्फिया के युग में हुआ है इतना कभी भी नहीं हुआ है हुँ? तो यह समय था जब प्रोटेस्टेंट का फैला हुआ ना जो कड़वी दाखलता थी ना कहता मैच हारी है अब तक तो सारे मैच पीट रही थी कड़वी दाखलता लेकिन जैसे ही जॉन वेस्ली का समय आता है जॉन वेस्ली के टाइम में ऐसी पटकी मारी है ट्रू चर्च ने ट्रू चर्च ने ऐसी पटकी मारी कि झूठी बस सांसें लेती रह गई देखते देखते लोग प्रोटेस्टेंट बनते गए बनते गए, निकलते गए चलते गए और रोमन कैथोलिक इस खतरे में आ गया हम कैसे अपने आप को बचाएं? माना रोमन्स को सरवाइव करना भारी पड़ गया ऐसी भयंकर विश्वास की आग लगी थी दुनिया में कि सारे संसार में सच्चा वचन चारों तरफ फैल गया और वो जो मैसेज जो था सेंटिफिकेशन का एक बात पढ़ना चाहूंगा एंड एज द द द द फॉल्स वाइन 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 इन डेज ऑफ पावर कुड कुड नॉट किल ट्रू ट्रू नाइदर नाउट ब्रिंग बैक द फॉल्स वाइन इट इज जर्स बट अब देखे चलाके लंबा गेम है बट द फॉल्स वाइन एंड ट्रेंज इट्स वेटिंग फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट एज पॉलिटिकल पार्टीज की जब आपस में लड़ाई चलती है बहुत लंबे लंबे गेम होते ही है आज हमारे भारत देश में एन सरकार है रूलिंग पोजिशन में है सेकेंड लोकसभा भी चल रही है लेकिन अभी जो हारी वाली पार्टीज हैं चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो बहुजन समाज हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे कोई सी पार्टी हो जो हारी हुई पार्टी है जिनका अस्तित्व बहुत हल्का है आप क्या सोचते हैं चुपचाप बैठे रहेंगे लोग ये लगाएंगे अगला इलेक्शन जब आएगा उसके लिए कुछ रणनीति बनाओ छोड़ो उसमें भी शायद नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मोदी जी का सिक्का बहुत तगड़ा चल रहा है उससे अगला वाला चार साल का उसके लिए कुछ ना कुछ ना रचना चालू करो ये एक ऐसी लड़ाई है जो शतरंज की तरह जने कहा दूर तक के आंकड़े बैठा करके चालें चली जाती हैं पॉलिटिक्स यही होती है कि बेटा आज तो हमारा नहीं है मान गए हमारा नहीं है आज तो हम हारे हुए हैं आज तो हमारा कुछ नहीं है लेकिन पांच साल में भी हम नहीं कर पाएंगे लेकिन हम अगले दस साल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि दस साल में आगे जाके आपको घेरेंगे ये पॉलिटिक्स पे ही तो चर्च चल रहे हैं तो इस कड़वी दाखलाता ने क्या करा इसने भाई साहब एक काम किया द फॉल्स वन एंट्रेल्फ वेटिंग फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट स्टेज अब इस कड़वी दाखलता ने झूठी कलीस ने भी एक स्ट्रेटजी चलाई है कि सुनो अब तो प्रोटेस्टेंट निकल रहे हैं प्रोटेस्टेंट बनते जा रहे हैं हमारा बस नहीं चल रहा है लेकिन जब दुनिया का अंत आएगा जब लौदिकिया का लास्ट एज आएगी उस समय के लिए हम कुछ ऐसा फेंटा कस के रखते हैं कि आखिर में मारेंगे सबको जैसे मैच में होता है फाइट में होता है खासतौर से बॉक्सिंग हो कुछ भी हो जो बॉक्सर होते हैं पहलवान होते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को अपने स्टेमिना को आखिर के तीन मिनट के लिए बचा के रखते हैं कि अभी तो पिटते रहो पिटते रहो पिटते रहो जब आखिर का दो ढाई मिनट बचेगा और मेरा प्रतिद्वंदी थक जाएगा उस समय मैं सड़क से दो दाव मारूंगा सीधा चित्त काम अपना तो स्ट्रेटेजी चलती है ऐसी कड़वी दाखिलता ने अंतिम समय के लिए रोक रखा है वेन इट वुड विन ऑल बैक टू इट सेल्फ एक्सेप्ट दैट स्मॉल फ्लॉग दैट वर द इलेक्ट ट्रू वाइन ऑफ गॉड कि वो उसने चाल बना रखी है चाल बनी हुई है तैयार कि दुनिया के अंत में एक ऐसा तुरु का इक्का मारना है कि सारों को घसीट करके खींच लाऊंगी केवल वो ही इलेक्टेड सेलेक्टेड मसीह के दुल्हन के गिनती के थोड़े रह जाएंगे वरना छोड़ना नहीं है मैंने सबको घसीट लाऊंगी ओनली हुआ क्या? चलता रहा और चलते चलते लोदी के काल हमारा भी आ गया और हमारे युग में क्या हो रहा है कड़वी दाखलता तुम भी पक जाओ मीठी दाखलता तुम भी बच जाओ गेहूं के दाने तुम भी मैच्योर हो जाओ और कड़वे दाने तुम भी मैच्योर हो जाओ और अब वो समय है कि देखो भाई कौन खत्ते में जाता और कौन आग में जलने के लिए जाता तो अब वो समय है इससे पहले कि कटाई हो हार्वेस्ट आए मैच्योरिंग और राइपनिंग ऑफ द बोथ सीड्स इज ए मस्ट दोनों प्रकार के बीजों का दाखलताओं का पकना होना इसलिए आज जो सच्चा विश्वासी है वो ऐसा सच्चा हो जाएगा जैसा पैंतुगस्ट के दिन हुआ करते थे और जो सही वाले नहीं है वो इतने कड़वे इतने खराब इतने घमंडी इतने धोखेबाज हो जाएंगे जैसे हुआ करते थे मतलब बुरे वाले बुराई की चरम सीमा पे होंगे और अच्छाई वाले अच्छाई की चरम सीमा पे होंगे और चूंकि दोनों के चरित बिल्कुल फर्क हैं ये अलग अलग अपने आप दिखाई देंगे अब धोखेबाजी चलेगी नहीं मिक्सिंग नहीं चल पाएगी हुं? तो लूथरानीज वैसलेनेज सब चल चुके हैं हार्वेस्ट टाइम अब चल रहा है और एक बात यहां पर न कह रहा है सुनिए हार्वेस्ट टाइम हैव यू नोटिस द दार्वेस्ट टाइम दो देर इज ए रियल एक्सिलेशन इन द राइपनिंगली स्लोइंग ऑफ ग्रोथिलर इज नो ग्रोथ जब गेहूं के पकने का गेहूं क्या छोड़ो कोई भी फल ले लो कोई भी, भी बीज ले लो जब भी गेहूं या फल किसी के पकने का समय आता है तो उसकी ग्रोथ अर्थात वृद्धि साइज में बड़ा होना रुक जाता है पपीते को जितना बड़ा होना पहले बड़ा हो जाएगा उसके बाद पकेगा संतरा सेब आम जितना साइज में बड़ा होना बड़ा हो जा उसके बाद पकता पकने के बाद नहीं बढ़ता साइज तो इसीलिए लिए कलिसियाओं के बढ़ाव बढ़ोतरी है लेकिन एक समय ऐसा आता है जबकि कलिसियाओं की बढ़ोतरी भी जैसे रुक सी गई है और अब इनकी बस मेच्योरिटी मेच्योरिटी ही होना है तो इस आखिरी स्टेज में आकर के कलिसो में लोगों की गिनती बढ़ना नंबर बढ़ना कुछ बहुत थो, थोड़ा बहुत तो थो चलता रहता है लेकिन ज्यादा तगड़ी तगड़ी ग्रोथ खत्म हो जाएगी मैच्योरिटी होगी और मैच्योरिटी क्या होगी जो अच्छे वाले हैं उनके अंदर यीशु मसीह दिखाई देने लगेगा और जो गलत वाले हैं उनमें तमाम दुष्टात्मा शैतानी काम दिखाई देने लगेंगे इज दैट नॉट एग्जैक्टली वॉट वी आर सींग नाउ क्या ऐसा नहीं है जो दिखाई दे रहा है द फॉल्स वाइन इज लूजिंग मल्टीट्यूज जो झूठी कलीसियाएँ हैं झूठी दाखिलताएँ हैं बड़ी बड़ी तादाद में लोग उनसे निकले जा रहे हैं मल्टीट्यूज टू कम्युनिज्म एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बिलीफ बहुत से लोग कम्युनिस्ट बन जा रहे हैं बहुत से लोग धर्म का त्याग कर रहे हैं बहुत से लोग नए नए सिद्धांतों में चले गए हैं नई नई फिलोसफियों में आ गए हैं अब जैसे आजकल एक चीज़ चली नो रिलीजन नो रिलीजन इस समय थर्ड नंबर पे चल रहा है सबसे ज्यादा गिनती में क्रिश्चियन है दुनिया में नंबर दो पे मुस्लिम है और नंबर तीन पे नो रिलीजन उनका कोई धर्म ही नहीं है और नंबर चार पाँच छः सात तो बुद्धिस्ट और हिंदू व फलाने ढिमाके इनकी तो कहीं गिनती नहीं लग रही डिनोमिनेशन में देखिए लोगों को चर्च कोई नहीं जाता चर्च खाली पड़े हुए हैं मेंबर हैं दस दस हजार चर्च के संडे देखो तो मुश्किल से डेढ़ सौ लोग मिलते हैं क्या हो रहा है फॉल्स वाइम मेंबर तो तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं गिनती तो बढ़ रही है लेकिन चर्च में नहीं है क्यों लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई वहाँ पर मज़ा नहीं है ना तो वर्शिप का ना मैसेज का ना इसका ना उसका कोई मज़ा नहीं है केवल कब्रिस्तान मिल जाएगा और शादी पाइसा पढ़ देंगे बस दो चीज़ है इसलिए मेंबर बने हुए हैं तो जो बड़ी बड़ी भीड़ आया करती थी पहले उन्हीं डिनोमिनेशन चर्चेस में हमने ऐसे ऑर्गेनाइज चर्चेस देखे हैं जो भरे रहते थे चर्च डिनोमिनेशनल चर्चेस भरे रहा करते थे अब जाके देख लीजिए आप सब खाली उल्लू बोल रहे हैं खाली पड़े हुए हैं त्योहार पे मुश्किल हो जाती है अब तो भरना सब खाली पड़े हुए हैं क्या हो रहा है लोगों का शौक खत्म वो अपनी मेच्योरिटी पर है क्या वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन रिलीजन ये तो आपकी पराकाष्ठा है बाकी नाचना गाना खाना पीना गाली गलौच उल्टा सीधा वो सब तो चल ही रहा है लेकिन रिलीजन से इंटरेस्ट खत्म दूसरी तरफ जो ट्रू चर्च है उसका हल क्या है उसमें बहुत लोग बढ़ रहे हैं कि हर महीने दस तो आते ही हैं वहां <coughs> भी खत्म है मामला जितने थे उतने गिनती में चल रहे हैं लेकिन एक बात हो रही है जो ट्रू बिलीवर्स हैं उनके अंदर यीशु मसीह का नेचर बिहेवियर करेक्टर क्वालिटी ये बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है ये पैंतीक उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं मसीह की सूरत तो और समानता में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं इनके अंदर वो गुण डेवलप होते जा रहे हैं बड़ी तेजी से जो ओरिजिनल चेलों में हुआ करते थे गिनती वहीं की वही है ये हाल ऐसा है जैसे नूह की कश्ती में जब घुस गए थे ना सब तो नी की कश्ती में जाने के बाद सात दिन तक कोई बरसात नहीं हुई कोई बर्बादी नहीं आई कोई पनिशमेंट किसी को नहीं मिला कोई पानी में नहीं डूबा और कोई नया व्यक्ति उद्धार पाने वाला कश्ती में नहीं घुसा सात दिन तक एक डल पीरियड था ऐसे चल रहा है आजकल ना तो कोई मर रहा ना कोई बम गिर रहा ना कोई ब्लास्ट हो रहा ना कोई ऐसे वो उल्का पिंड गिर रहा कि कम से कम दो चार दस बीस देश तो तबाह हो जाओ छठी मोहर वाला वो काम भी नहीं हो रहा है तो ऊपर से ढेर सारे लोग आप कश्ती में प्रवेश करके आ जाए तो नए विश्वासी वो भी नहीं आ रहे हैं हो क्या रहा है ये सात दिन का इंतजार हो रहा है थोड़े समय के बाद जजमेंट चालू होने वाला है मारकाट विध्वंस उस दुनिया का और जो बचना थे वो बच ली का एक होंगे तो एक आध भीड़ तो कहीं ना कहीं होती आती जाती रहती है वो भी जाएंगे तो लोगों का चरित्र बताएगा अगर आपके बिहेवियर नेचर कैरेक्टर में यीशु मसीह दिखाई नहीं देता तो भाई और बहनों बहुत खतरनाक घंटी बज रही है आपके लिए हो जाओ दुरुस्त हो जाओ सही हो जाओ वरना छूट जाओगे जाने वाले तो चले जाएंगे है ना तो दोनों तरफ ऐसी रुकावट है लेकिन खुदा का शुक्र हो ऐसे मौके पे खुदा ने एक प्रोग्राम रखा था मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात को और वो ये कि खुदा ने साथ में दूत को हमारे युग में भेजा सातवां दूत आया पूरा प्रकाशन लेकर के आया सामर सहित आया बल सहित आया और पूरे बाइबल का खुलासा किया सामर्थी कामों का प्रदर्शन किया जैसा इंतजार कर रही थी मसीहत कि खुदावन हमें पैंतुक उसके दिन भेज पैंतुक उसका दिन भेज हमें वापस रेस्टोर कर तो खुदावन ने भेजा जब भेजने लगा तो पवित्र आत्मा के वरदान आ गए अन्य भाषा आ गई चंगाई आ गई भविष्यवाणी आ गई लोगों ने सोचा हो गया हो गया हो गया हो गया जबकि वो रेस्टोरेशन का नई रिफॉर्मेशन का पीरियड ही चल रहा था और उसी में ऑर्गेनाइज होकर एंटीकोस्टल बन के रह गए लेकिन खुदा ने उस दुआ को सुना हमारे लिए भेज रिवाइवल भेज बेदारी भेज संदेश भेज तो खुदा ने साथ में दूध को विलियम ब्रहम को लौदिकियाई काल में भेज दिया पावर सहित भेज दिया चंगाइयों के साथ भेजा मिराकल के साथ भेजा भविष्यवाणी के साथ भेजा खुलासे के साथ भेजा रेवल्यूशन के साथ भेजा पावर डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ भेजा और जो दुल्हन पेंट को उसके दिन पाई जाती थी उसी क्वालिटी की दुल्हन को तैयार करने का प्रकाशन भी आ गया और जिन लोगों ने उसको स्वीकार किया है उनके जीवन में आपको परिवर्तन दिखाई देगा दिमाग की बात छोड़ दीजिए अगर आपके दिमाग में बहुत प्रकाशन भरा हुआ है और आप चर्चिल के बाप हो गए हैं लेकिन आपका बिहेवियर आपका चरित्र नहीं बदला है तो आपने मैसेज को स्वीकार नहीं किया है आपने कोई थ्योरी पढ़ी है क्राइस्ट इज ऑफ गॉड रिविल्ड के मैसेज अभी कहता है अगर कोई कहता मुझे रेवल्यूशन मिला है और उसके जीवन में वो चरित्र ना पाया जाता हो जो यीशु मसीह का इस धरती पर था तो वो झूठ बोलता है उसको गलत प्रकाशन मिला है तो मेरे भाई और बहनों सातवां दूत आ चुका है प्रकाशन दे चुका है प्रीच कर चुका है पावर डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका है दुनिया के साथ चक्कर लगा चुका है इस दुनिया को छोड़ के जा भी चुका सन पैंसठ में और अब दुल्हन अपनी मेच्योरिटी में अर्थात अपने चरित्र में चिल्लाने में नहीं कूदने में नहीं ज्ञान में नहीं इन सब बात दिखावे में नहीं शोशेबाजी में नहीं बल्कि अंदर से जो बदलाव है चरित्र का व्यक्तित्व का दुल्हन में तो दिखाई दे रहा है और देगा और बढ़ता चला जाएगा और किसी भी दिन उसी को लेकर प्रभु यीशु मसीह रैप्चर में चला जाएगा और बाकी यहां सब मरने के लिए रह जाएंगे तो इतना सारा हमने एक जिस्ट देखा कि सात कर काल के दौरान खुदा ने जो संदेश भिजवाया था पवित्र आत्मा की डोजेस थी कंप्लीट नहीं थी टुकड़ों टुकड़ों में थी लेकिन हमारे युग में कंप्लीट डोज कंप्लीट रेवलेशन कंप्लीट हर चीज़ करके नबी के द्वारा पवित्र आत्मा ने उतर के सुपर नेचुरल साइंटिफिक हर प्रकार के प्रमाणों से साबित करके बता दिया कि लो भाई रेफॉर्मेशन के बाद रेस्टोरेशन का कंप्लीट मैसेज आ चुका है और लोगों ने स्वीकार कर लिया है और जो जाने वाले हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे लेकिन जिसकी इच्छा बदलाव की नहीं है जिसकी इच्छा है, हम तो अपने मन के मुताबिक चलेंगे हट पर जिद पर चलेंगे उनका भविष्य अंधकारमय है और उनके लिए केवल बंबार्टमेंट मौत और बर्बादी ही इंतजार कर रही है लेकिन जिन्होंने समर्पित कर दिया है कोई साथ दे या ना दे इसकी चिंता मत करना कोई चले या ना चले फिक्र मत करना लोग क्या कर रहे हैं उसकी चिंता मत करना आप अपनी जान बचाओ आप अपनी तैयारी करो रेपचर में आप जाओ बीवी बच्चे मां बाप भाई बहन तैयारी करेंगे तो जाएंगे और नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे उनके लिए ना रो और ना परेशान हो अपनी तैयारी में लगो और जहां तक जिसका भला कर सकते हो करते जाओ यू ऑल आइए हम सब खड़े जाए उस गाने को गाएंगे वो तैयार संग जाने के लिए अपनी कुपियों में भर लो तेल अक्सर यही गाना आ जाता है जब तैयारी की बात होती है वो तैयार वो हो तैयार हो तैयार यीशु संग जाने के लिए अपनी कुपियों में भर लो तेल दिए जलाने के लिए ये आखिरी गाना है और उसके बाद आखिरी प्रार्थना के बाद मीटिंग हम खत्म करेंगे हो तैयार हो संग जाने के लिए हो तैयार हो तैयार यीशु शुसन जाने के लिए, हो तयार, हो तयार, अपनी कुपियों में भर लो ते दिए जलाने के लिए रहो तो मौका निकल न जाए सोते तुम्हें न पाए यीशु जब वो लेने आए जागते रहो तो मौका निकल न जाए सोते तुम्हें न पाए यीशु जब वो लेने आए जब वो लेने आए महिमा उसकी करते रहे जीवने पाने के लिए हम उसकी करते रहे जीवने पाने लिए के लिए अपनी कुपियों में भर लोते ये जलाने के लिए अपनी नसीब है वो सबसे जागता पाए हम सबको वो अपने साथ स्वर्ग धाम ले जाए कुछ नसीब है वो कुछ जिसे जागता पाए हम सबको वो अपने साथ स्वर्ग धाम ले जाए स्वर्ग धाम ले जाए जीवन अपना दे दो प्रभु को पाने के, लिए अपना दे दो प्रभु को। पाने के लिए अपनी कृपियों में हर लो दिए जलाने के लिए अपनी कुपियों में हर लो यात्रा में चलेंगे अपने सरों को झुकाएंगे आंखों को बंद करेंगे आज समान जमीन के खालिक और मालिक हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने अपने वचन को बातों से मुलाकात करवाई ज्ञान दिया समझ दी विश्वास दिया बदलाव दिया और बहुत सारी आशीष दी इन सब के लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं और प्रभु चाहते हैं जबकि इस सातों को काल के संदेश के दौरान आपने चाहा कि आपकी दुल्हन तैयार हो किसी बात में गलत बातों से समझौता ना करें वचन पे संपूर्ण डिपेंड करें टोटल समर्पित होकर के चले प्रभु हम आपके सामने हाजिर हैं और हम अपने आप को आपके चरणों पे अर्पित करते हैं और चाहते तो प्रभु हमारे जीवन की बागडोर आप थामे रहें जब हम इधर उधर दाएँ बाएँ मुड़ने भी लगे तो आप हमको सीधे रास्ते पर ले आए अपने वचन के अनुसार चलने की शक्ति प्रदान करें आपका जीवन आपका नेचर बिहेवियर करैक्टर हमारे अंदर मुजस्म होने लगे और हम अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु आपके लिए जियें आपकी जीती जाती पवित्रि बन जाएँ खासतौर से गोचियन पर सुनने वालों को आप ब्लेस करें जिन्होंने अपना जीवन आपको अर्पित किया रिडेडिकेट किया है आपके साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं प्रभु आप उनको तैयारी बख्शें ट्रांसफॉर्मेशन दें तौर से जीवन और चरित्र का बदलाव दें ओ प्रभु येश मसी आप के पर विशेष रहम करें इस संदेश को प्रचार को हर चीज़ को आपके सुपुर्द करते हुए छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं आमीन आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसरों को माफ कर हमें आजमायश न पढ़ने देखी तो लेकिन जलाल हमेशा अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरों की रिफ़ाकत हर एक ईमानदार के साथ और ख़ास से गोशेन की कलिसा के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन सब भाई बहनों को जय मसीह की